अभिमान किसी का रहा नहीं अभिमान किसी का रहा अभिमान आंख बदल कर क्यों चलता इंसान से है इंसान इंसान से है इंसान किसी का रहा नहीं अभिमान किसी का रहा नहीं अभिमान कह दिया है कि मेरी लड़की से न बोला करो एक को तो तुमने अपनी जैसी बना लिया अब इसे रहने दो परमात्मा के लिए हाँ जी मैं तो दुश्मन हूँ माँ थोड़ी हूँ बीए के इम्तिहान में तो फर्स्ट आ गई अब गृहस्थी के इम्तिहान में फर्स्ट आएगी तो जानूंगी ए आ बेटा अरे तालीम याफ्ता है मेरी लड़कियाँ बीए पास जिस घर में भी जाएंगी स्वर्ग बना देंगी उसे अजी पहले घर तो तलाश कर लो अरे सैकड़ों देख रखे हैं मैंने तुम क्या समझती हो मैं सो रहा था पहले किरण की शादी और फिर अलका की ओ दादी लेकिन तुम न बोलना कुछ बीच में लड़कियां खुद पसंद करेंगी और एक लड़का तो कल ही आ रहा है अच्छा एमे है एमे अरे किरण जल्दी कर कितनी देर से बैठा है लड़का देखिए मैं कैसा है लड़का खुश हो जाओगी देखकर एमबी है विलायत का ओ इंग्लिश में ओ गुडी गुडी वेरी ब्रेस्ट ओ यस यस राधा दैट्स राइट ओ लवली वंडरफुल चार्मिंग यह है मेरी लड़कियां किरण और अलका हाय सेम और बेटा यह है मिस्टर आर के सक्सेना एमए इंग्लैंड रिटर्न Good morning, my dear young ladies. Namaste. Oh, namaste, namaste. Tashreef rakhiye. Oh, no. Ladies first. Ji nahi, pehle aap. Oh, Hindu culture. I see. Well, well. Lekin main bilkul khilaf hoon Indian culture ke. Zara hamare England mein chal ke dekhiye kitni izzat hai auraton ki. Kis nazar se dekha jata hai auraton ko? किस नजर से देखा जाता है I mean, आप हिंदुस्तानी नहीं है अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में पैदा हो गया हूँ I see. To tell you the truth, bodily, हिंदुस्तान में हूँ heartily, यूरोप में बिकॉज कल्चर यूरोप में लाइफ यूरोप में इनफैक्ट वहां की सोसाइटी में जिंदगी वहां के ख्यालों में जिंदगी वहां की हवा में जिंदगी बल्कि यूं कहिए कि वहां की मौत में भी जिंदगी दैट्स राइट मगर ये इंडिया है मिस्टर हिंदुस्तान
नमस्ते। नमस्ते। नारी जाति का जितना सम्मान हमारे भारतवर्ष में है उतना किसी अन्य देश में नहीं। हम भारतवासी नारी को अथवा पत्नी को धर्म पत्नी अर्धांगनी सहधर्मिणी मानते हैं। कारण न ग्रहम ग्रह मित्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते, अर्थात हम घर को घर नहीं मानते परंतु घरवाली को घर मानते हैं। किंतु आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां इसका अर्थ उल्टा ही लगाती हैं, स्वयं को पुरुष की भांति स्वतंत्र समझ बैठती हैं। ये उनकी जो है सो भयंकर भूल है। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? न स्त्री स्वतंत्र मरहति। और क्या लिखा है? आओ भाई आओ रामू श्यामू, ये है मेरी लड़कियां अलका और किरण। आप हारमोनियम बजाना जानती हैं? आप तबला बजाना जानती हैं? जी थोड़ी थोड़ी। ढोलक बजा लेते हैं हम दोनों। धगन धिनक धिन धगन धिनक धिन। नाच गाना तो जानती होंगी आप दोनों? नाच गाने के बड़े शौकीन मालूम होते हैं आप दोनों? जी बेहद शौक है। नागिन देखी थी? नागिन जी नहीं है? हमने 22 बार देखी। 23 भाई। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। कितने लड़के देख डाले मगर एक ने पसंद आया तुम्हारी लड़कियों को। बीए पास है मेरी लड़की, और कराओ बीए पास, इससे तो बिना पढ़ी लिखी ही अच्छी। अरे तुम तो हो पागल, लड़कियों को भी देखभाल कर ही शादी करनी चाहिए, आखिर उनकी जिंदगी भर का सवाल होता है। और ढूंढेंगे लड़के, आज ही दयाराम से मिलता हूँ, उसे दुनिया भर के लड़कों की खबर होती। दयाराम जी हैं। खुशी खुशी वही हम बे बुलाए आते हैं। भाई बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अजी वर्मा साहब, अपन तो कर भला हो भला, समझे साहब? आपने याद किया, हाजिर हो गए। अरे भाभी खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, कम से कम एक कप चाय तो पिलाओ। हाँ साहब तो फरमाइए क्या हुक्म। अजी हुक्म तो क्या, अपनी अलका और किरण के वास्ते दो लड़कों की जरूरत है। लड़के? अजी लड़के तो जेब में लिए फिरता हूँ। अच्छा ये देखिए, सब पढ़े लिखे हैं, बारोजगार है, जिससे कहिएगा उससे तय करा दूंगा। मगर ये तो सब लड़कियां ही लड़कियां हैं। लड़कियां? माफ कीजिएगा, लड़के दूसरी पॉकेट में रखता। ओ ये देखिए। हाँ अजी सैकड़ों लड़के लड़कियों की शादी करा दी है। भाभी ऑफिस के बाद अपने को यही एक शौक है, क्या? कर भला हो भला। ये लड़का तो मुझे अपनी किरण के लिए पसंद है, और ये अलका के लिए। अरे भाभी तुम भी कमाल करती हो, तुम्हारी पसंद से क्या फायदा? अरे भाई लड़कियों को दिखाओ, उन्हें पसंद आ जाए तो चट मंगनी पट गया। क्यों साहब? ठीक तो है। हाँ भाई जाओ, पहले तस्वीरें लड़कियों को दिखा दो। खैर ये बात तो हुई, वर्मा जी अगर इस उम्र में गुंजाइश हो तो तुम भी एक आध पसंद कर लो। क्या बात कर रहे हो। तो मुझे भी पसंद है। अच्छा और तुझे अलका? हम तो भाई फोटो देखकर कुछ नहीं कह सकते। क्यों बेटा? आंख नाक चेहरा मोहरा कितना अच्छा दिखता है लड़के। किरण को तो पसंद है ये लड़का। अच्छा और अलका को? पसंद तो उसे भी है, मगर वो लड़के को एक बार देखना चाहती है। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, बुलवा लेंगे लड़के को। क्यों दिया राम जी? कौन बड़ी बात है, देखो कौन सा लड़का ये है। अरे बाप रे, ये लड़का नहीं जाता किसी के घर। क्यों, क्या हाल है? ये तो वो जाने, मैंने एक लड़की को देखने के लिए कहा था, इसने साफ इनकार कर दिया। और अगर अलका देखना ही चाहती है तो अलका को ले जाऊंगा उसके घर। नहीं चाचा, हम नहीं जाएंगे किसी के घर पर। अच्छा जी। हाँ दयाराम जी, मैं लड़की को तो नहीं भेज सकता उसके घर। अच्छा बाबा, अलका को मैं भेज देना, इसमें कोई वादा है? लड़के को मैं वहां बुला लूंगा। ठीक? हाँ ये ठीक। तो ला फोटो। अच्छा भाई चल दिए, नमस्ते। अच्छा देखो बेटिया, कल ठीक 8 बजे घर पहुंच जाना। लड़के का नाम है सुरेश चंद्र कपूर। कर भला हो भला।
खुशी खुशी वही हम दे बुलाए जा। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं जी? मैं आपका पीछा क्यों करने लगा? आप अपने रास्ते जा रही हैं, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। तो फिर जाइए ना। बहुत बेहतर। एक पैकेट देना भाई, गोल्ड फ्लेक। शेखर तो लेते जाओ से गोली मारे यार। मेरा नाम है सुरेश चंद्र कपूर। नमस्ते। और आप शायद अलक नंदा वर्मा बी बी दयाराम चाचा कौन है भाई? बैठो बैठो, अभी आया। माफ कीजिए। ओहो, दोनों साथ साथ कर भला हो भला। मालूम होता है पुरानी मुलाकात है। नहीं चाचा, पुरानी तो नहीं है। पुरानी नहीं, नई है। अच्छा बैठो बैठो। देखो बेटी, यही है वो। और देखो मिस्टर, यही है वो। नमस्ते। अरे सावित्री, चाय ले आना, नई जोड़ी आ गई है। ठीक वक्त पे पहुंच गया, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। अरे तो ले आओ ना बाहर। क्या वही बैठे बैठे कह रहे हैं चाय ले आ, चाय ले। भला मैं वहां कैसे हूँ? क्यों शर्माती है ना उन्हें? हाय हाय, तुझे देखने नहीं आया है वो। जिसे देखने आया वो तो उसके पास बैठी। तो क्या मैं भी वही जा बैठू? तो क्या कोई पकड़ लेगा तुझे? गवारन कहीं? हाँ हाँ, मैं तो गवारन हूँ। शादी क्यों की थी मुझ जैसी गवारन से? नसीब अपने,
वरना तेरी शादी तो घसीटामल से होनी चाहिए थी। देखो जी, ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती। जब देखो घसीटामल, कौन है वो मुआ घसीटामल? हाय हाय, भूल गई? अरे वही मिठाई वाला जिससे तेरा ब्याह रचा रहे थे तेरे बाबा। नसीब अच्छे थे बेचारे के जो बाल बाल बच गया, और ये ढोल मेरे गले बंध गया। पीटो तो मुसीबत, न पीटो तो मुसीबत। हाँ हाँ, पीट लो, मार लो, तुम्हारे गले तो मैं बंध गई हूँ। अरे रो मत, जल्दी से चालिया बाहर। मैं नहीं आने की, वो रखी है ले जाओ अपने आप। हमने ऐसे कौतुक न देखे न किए। बम्बई के लोगों ने तो शर्म जैसे बेच खाई है, बिना देखे शादी ही नहीं करते। ये भी तो गाय भैंस का सौदा है जो देख के किया जाता है। तुम आए थे मुझे देखने? अगर मैं देखने आता तो तुझसे शादी करता। अरे अगर वो घसीटा मल देख लेता तो वो भी भाग जाता। अजी तो मैं भी नहीं आई थी तुमसे कहने कि मुझसे शादी कर लो। अरे आस्ते बोल भगवान, वो सुनते होंगे। मैं ही ले जाता हूँ, खुद जा। और तू कोने में बैठ जा मुँह छुपा के। और क्या, मुँह खोल के बैठूं? कर भला हो भला। अम्मा इतनी दूर दूर, आओ इधर बैठो। दूर दूर क्यों बैठे हो भाई? चाह पियो, शर्माते क्यों हो? तुम्हारी चाची से बात कर रहा था, कहती है कि जोड़ी बड़ी मजेदार। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम लोग चाह पियो, मैं अभी आता हूँ। नहीं है, सब यही छोड़ दिया है। क्यों अलका बेटी, चाय अच्छी है? बोलो बोलो, शर्माती क्यों? हाँ तो सुरेश बाबू सुनाओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? चाय में शक्कर आकर ठीक है ना? बाबूजी से बात करो ना चाचा। कर भला हो भला, बाबूजी से तो बात मैं कर लूंगा भाई, बड़ी खुशी हुई। अच्छा तो मुझे जाए अकेले जाओ, आए तो फिर जोड़ी के साथ कैसी बातें करते दादा। अरे तुमको आज ठिकाने लगाए जाते हैं। कर भला हो भला, नाम तो है अलकनंदा वर्मा, बीए पास है लड़की। जी हाँ। अच्छा, ये तो अपने सुखलाल जी की लड़की है। जी हाँ, उन्हीं की छोटी लड़की है। बात असल में ये है कि दोनों लड़कियों की शादी एक साथ करना चाहते हैं, और अपने सुरेश बाबू लड़की को देख चुके हैं। जी सुरेश जी। बाबूजी भाई क्या ख्याल है बेटे? अब मैं क्या बताऊं बाबूजी, जैसा आप ठीक समझे। लड़की तो अच्छी है दयाराम जी, लेकिन बात ये है कि लोग इतने बड़े मकान को देखकर ये समझते हैं कि हम अब भी वैसे ही रही सर। लेकिन आप तो जानते हैं वो जमाना नहीं रहा। सुरेश 400-500 कमा लेता है, और इस 400-500 में बम्बई में गुजर करना। अजी आप बेफिक्र रहिए, घर के काम काज में तो इस कदर होशियार है लड़की, और माँ कसम खाना तो ऐसा पकाती है। वाह 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 वाह, आते ही घर को संभाल लेगी कपूर साहब, नौकर चाकरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सच कहता हूँ आपसे। जी हाँ दयाराम जी, बहुत ऐसी ही होनी चाहिए। क्यों चंद्रा, कैसी है लड़की? छान है, बहुत अच्छा। बुरी नहीं है लड़की। अच्छा इसका नाम क्या है चाचा? नाम तो बिटुआ इसका है किरण। किरण? हाँ, काम काज में बहुत ही होशियार है। माँ कसम दिलीप, खाना तो वो पकाती है, वो पकाती है के। अच्छा, तभी दिखने में इतनी सीधी शादी है। सीधी? अम्मा बीए पास है। बीए? बीए पास है? हाँ। उफ, तब तो चलेगी साहब। ऐला मुझे तो दिखा, चलेगी चलेगी साहब। हाय ये क्या चलेगी, ये बीए पास घर को संभालेगी, बनाव सिंगार से फुर्सत मिलेगी तो किताबें लेकर बैठ जाएगी। भैया हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो हमारी सेवा करे, घर का काम करे। माँ,
मुझे बीवी चाहिए, बीवी, नौकरानी नहीं चाहिए। हमें पसंद है ये लड़की। अरे पसंद है तो करना चाहती हमें क्या? चाचा हाँ। शाबाश बेटा, कर भला हो भला। जरा घूमने जा रहे हैं। अच्छा बेटा, खाने का समय तक लगा था ना? जी बहुत अच्छा। माँ जी क्या है? हम लोग जरा घूमने जा रहे हैं। अरे तो मुझसे क्या पूछती हो, जा तो रही हो बंठन के, जाओ जहाँ तुम्हारे जी में आए। माँ जी अगर आप कहें तो मैं ना जाऊं उनके साथ। हाँ किरण, अब खड़ी क्यों हो, जा ना, बुला रहा है, जा जा घूमने जा। रानी घूमने जा रही है और दासी खाना पका। स्मार्ट लगती है इस ड्रेस में, हम भी अपने लिए कैसा बनाएंगे? अच्छा बना लूंगा। तुम अपने लिए कैसी बिशर्ट बना लेगा? मेरा ख्याल है तुम मुझे एक बंदर और डुगडुगी और दिलवा देना। अरे इतना हंसने की क्या बात है, ये तो आजकल का फैशन है। हाँ फैशन है। आओ कहता है कि तुम बहुत सुंदर, मगर आंखें कहती है कि बहुत सुंदर क्यों, तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत। आंखें तो हमेशा धोखा देती हैं। अच्छा जी किरण, तुम वाकई बहुत सुंदर, चलो गार्डन में। क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अपने गांव से अच्छी है ना? अरे नजदीक आओ ना, वहाँ कहाँ बैठ रही है? शर्मिया की, सामने से लोग आ जा रहे हैं, बूढ़े हो गए मगर अक्ल नहीं आई। तो वहाँ जाके बैठ समंदर के पास। इतने बड़े शहर में आई और बातें वही गमार पाने की करती। हाँ, मैं तो गमार हूँ। अरे वो देख देख, वो कैसे कमर में हाथ डाले हुए आ रहे हैं, फिर रहे हैं, जा रहे हैं। वो लोग बेशर्म हैं। और तू बड़ी शर्म वाली है। अभी चुप बैठो। चुप है। अरे बाबा जी तुम कहाँ बैठ रहे हो? अरे हम दोनों मियाँ बीबी है। तुम्हें मियाँ बीबी छो? अरे नजीक नजीक बैठा तू क्या बैठा? नमस्ते नमस्ते। अरे घूंघट क्यों निकालती हो, ये तो सामने के बच्चे हैं, बच्चे है? भाई सुरेश, शर्म की पोटली और प्यार की गठरी पर समझ लो कि दूसरी सावित्री। हाँ चाचा, ये सावित्री और आप सत्यवान। भाई हम तो यही समझते, अगर यमराज हमें लेने आए तो मेरी सावित्री मेरे साथ जाएगी। हाय हाय, यमराज आपके दुश्मनों को लेने आए, कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हैं। सुन लिया ना, पढ़ी लिखी नहीं है मगर पढ़ी लिखियों से ज्यादा वफादार, फरमा बरदार, अब क्या तारीफ करूं इसकी। खैर तुम लोग तो अच्छे हो ना। बिल्कुल मजे में। चलिए किसी होटल में चलते हैं। हाँ हाँ जरूर चलो, क्योंकि भाई तुम लोगों की खुशी में मैं दावत देना भूल गया। अरे वाह चाचा, शादी हमारी और दावत तुम दोगे? अरे भाई हम तो दुनिया को देखकर खुश होते हैं, तुम तो जानते हो। कर भला ओ भला। अच्छा भाई चलो 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 चलो।
आओ ना चाची। बाय। देखो भाई। बाय। खाना लाओ। अब बॉय हल्का सिर्फ चाय मंगाना ना, बाबूजी इंतजार करेंगे। नहीं, मेरी भी यही राय है। माँ जी खाना लेकर बैठो। अरे तुम बैठो ना। मैंने खाने की होटल का खाना बना। अरे रोज घर का खाती, आज बाहर का। बॉय तुम बाहर खाना ले आओ। बॉय भाई सिर्फ चाय लाना। हाँ अरे यार खाना खा लो, जा भाई खाना ले आओ। नहीं जाता माँ जी इंतजार। बॉय साहब पहले आप लोग फैसला कर लीजिए। बॉय सुनो ना। अरे भाई तुम खाना लाओ ना। बहुत अच्छा। बॉय अरे वो चटनी और कचूमर भी साथ में ले आना। चाची आप खाना नहीं खाएंगी? अरे खा लिया नहीं रात तो भूखी रह जाएगी। इतने लोगों के सामने मैं नहीं खाने को। अरे जैसा देश वैसा भेद। खा लीजिए चाची, ऐसी भी क्या बात है। कौन मैं? अरे मैं तो होटल का पानी भी नहीं पीने की। हाँ मेरी तो आंखें पक गई राह देखते देखते। यूं ही देर हो गई माँ। अब जल्दी से कपड़े बदल के आओ रानी जी, दासी खाना लेकर बैठी है। हया शर्म साहब बेच खाई है आजकल की बहू बेटियों ने। होठों पर लाली लगा लिया, मुंह पर चूना पोत लिया, बन गई मेम साहब। तो ये बूढ़ा मरे या जवान, इन्हें अपने घूमने से कहा। लेकिन माँ जी हम लोग तो होटल में खाकर आए हैं। होटल में खाकर आए? ये कौन तेरा बाप फायदा? नहीं माँ जी मैं खाऊंगी, आप परेशान मत होइए, आप तो रोटी खाइए। हाँ। जो कुछ बचेगा वो मैं सब सुबह खा लूंगी। भला तो रात घर आने की बेटी बासी तो खाएगी, उठा के फेंक के थोड़ा सा। हे भगवान ऐसी बहू से तो मुझे मौत दे दे। छोड़ मेरे पैर। माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो मुझे। अरे तो मैं क्या तुझे गोली मार रही हूँ? जब तक आप रोटी नहीं खाएंगी मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। मेरी इतनी फिक्र होती तो इस बार माफ कर दो माँ जी, फिर कभी कभी नहीं होगी ऐसी गलती। अच्छा तो छोड़ मेरा पैर। बहुत अच्छा सरकार। सुनो। हाँ मेरे जूते का जरा बंद खोलना आकर। ए मिस्टर आपने मुझे समझ क्या रखा है? औरत धर्मपत्नी, मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म, जानती नहीं मैं तुम्हारा कौन? चलो अजीत इतना कर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, नौकरानी नहीं, समझे? अलका मालूम होता तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अलका इसी अकड़ो ना हूँ से पिया के हमने भी बीए पास किया। अकड़ो ना हमसे पिया के हमने भी बीए पास किया, के हमने भी बीए पास किया। जंपिंग फेंसिंग सिंगिंग डांसिंग एक्टिंग पेंटिंग राइडिंग स्विमिंग हर खेल में नाम पाती रही। कॉलेज की शोहरत बढ़ाती रही, हर साल अव्वल में आती रही। सबकी नजर थरथराती रही, इज कितनों को मैंने सबक दे दिया, सबक दे दिया। हे अकड़ो ना हमसे पिया के हमने भी ये पास किया। अकड़ो ना हमसे पिया के हमने भी ये पास किया, के हमने भी ये पास किया। चलने की अब बातें बासी कहो, औरत अब मर्दों की दासी कहो। बदला जमाना है बदला जाओ, हम तो नहीं हम भी तुमसे यहाँ। इजी पलकें झुके सर ना झुकने दिया, ना झुकने दिया। ए अकड़ो ना हमसे पिया
के हमने भी ये पास किया, अब रोना हमसे पिया के हमने भी ये पास किया, के हमने भी ये पास किया। अभी तक नहीं उठी? आप चाय पी लीजिए बाबूजी। नहीं बेटा, आ जाना तो बहू को। चंद्रा उठा दे बहू रानी को। बराए। और कहना 8:30 बज चुके हैं, जल्दी उठें। बाय, ए बाय, बाय, उठो। शेठ बुलाता है चाय पीने को। पर तो हमने आता है। नहीं आता है तो सो, अपन को क्या है? अलका, अलका, उठो ना, 9 बजने वाले हैं। ना तो बाबू को सोने भी नहीं देते। बाबूजी चाय पे नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे। बाबूजी, 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 जैसे हम तुम्हारे कोई भी नहीं हैं। अच्छा तुम सीधी तरह चलती हो तो मैं जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। अब हटो यहाँ से, हम कपड़े बदलेंगे। जल्दी आओगी नीचे तेरे। और जाओ भी, देखते क्या हो। उठ गई ना? जी हाँ। बड़ी देर तक सोती रही, तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, तबीयत तो ठीक ही। रात क्या ज्यादा देर से सोए थे? जी हाँ। जी नहीं बाबूजी, ऐसी कोई खास देर तो नहीं हुई। ज्यादा रात तक नहीं जागना चाहिए बेटा। चंद्रा तुम्हें लिए तंबाकू लेने गई है, न जाने किस चीज की जरूरत है बहू रानी को। रहने भी दीजिए बाबूजी, उसकी तो आदत ही खराब। और चंद्रा की बच्ची। कहाँ गई है जी चंद्रा की बच्ची? अभी आती है बहू, मैंने उसे बाजार भेजा है। एक नौकर और रख लीजिए ना बाबूजी। और नौकर की क्या जरूरत है, चंद्रा ही काफी है। वो मेरा काम करेगी अब बाबूजी का, एक नौकर और चाहिए। अच्छा अच्छा, एक नौकर और रख लेंगे। नहीं रामी, अब मुझे नौकरानी की जरूरत नहीं है, मेरी बहू जो आ गई है। अब बहू जी, ए रामी का पगार दे दे 1 महीने का। अच्छा, क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा, जरा इसे हटा रही हूँ रामी को। क्यों? क्यों क्या, घर में थोड़े से काम है, बहू कर लिया करेगी। माँ क्या किरण अब ऐसे छोटे मोटे काम किया करेगी? लो सुनो, हमने नहीं किए छोटे मोटे काम, ये कहा कि महारानी जो नहीं करेगी। सब काम कर लिया करूंगी माँ जी, आप शौक से हटा दीजिए इसे। ले रामी। नहीं किरण, तुम ऐसे काम नहीं कर सकती, खबरदार जो इसको निकाला, समझी? अरे तो रख ले दो 4-10 नौकरानी और इस देवी जी को मंदिर में बैठा के पूजा किया कर। हमारा क्या है, मैं मर जाऊंगी, तुझे आटे दाल का भाव मालूम होगा निकम्मे। रामी जा तू काम कर और 10-20 नौकर नौकरानी ले आ इस घर में, और महारानी जी तुम बैठ कर राज करो। अच्छा ये पास बहू लाया है, चलेगी क्या? क्या चलेगी? अरे मैं भी देखूंगी कैसे चलती है। रानी, रानी। रामी ये तू अपने पैसे ले बहन और जा जल्दी से। रामी, ओ रामी, क्या चाहिए आपको? अरे बाबा पानी चाहिए, पानी, मुझे शेव करना है। अच्छा अच्छा अभी लाती हूँ। मगर रामी कहाँ गई? वो तो चली गई जी, मैंने हटा दिया उसे। हटा दिया? क्यों हटा दिया? मैंने मना जो किया था, अब क्या उसका सारा काम तुम क्या करोगे? तो क्या हर्ज है,
अपने ही घर का तो काम है ना। मगर मैंने तुमसे इसलिए शादी की कि तुम 24 घंटे घर के काम में फंसी रहो। अरे भाई मैं चाहता हूँ तुम्हें घुमाने ले जाऊँ, क्लब, नाटक, सिनेमा। माँ तो सठिया गई, मैं भी जाता हूँ रामी को लेने। नहीं जी, तुम्हें मेरी कसम है, माँ जी को खुश रखना हमारा फर्ज नहीं है। मैं कर लूंगी जी, आखिर काम है कितना है। देखो माँ जी का मन भी रह जाएगा और हर महीने 20 रुपए बचा करेंगे। ओफ ओफ, मालूम होता किसी नौकरानी से शादी कर ली है मैंने। अच्छा तो नौकरानी ही समझ लो हमें, मगर पगार क्या दोगे सेठ? किरण, क्या इसीलिए तुमने बीए की डिग्री हासिल की थी? क्यों, क्या बीए की डिग्री घर के कामकाज को मना करती है? छोड़ो, हम पानी लाते हैं। अरे नहीं सावित्री, मैंने इतने ही कहा था। बहू नौकरानी को हटा दो, अरे जान को आ गए दोनों खत्म करो। वो तो मैं ही थी जो चुपके चली आई, कोई दूसरी सास होती तो तैयार पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। और क्या बताओ, बीए पास है तो क्या घर का काम काज नहीं करना चाहिए उसे? आए है, क्यों नहीं करना चाहिए काकी, औरतों का तो काम ही है चौका बर्तन करना। वो भी सिर रहते हैं पढ़ा कर, भला मुझे कौन सी नौकरी करनी है या विलायत को जाना है? क्या फायदा इस पढ़ने लिखने से? पूछो कानपुर। कानपुर मामा की चिट्ठी होगी? हाँ कानपुर। सावित्री सावित्री बेटा बिटिया जाती रहो जाती रहो। सावित्री बिटिया जीती रहो। दवा म दवा राम, दवा राम का ये उनका नाम होगा काकी। हाँ दया राम का खत खत मिला, दया राम का खत मिल गया। तेरे पता तेरे पिता बीमार बीमार तेरे पिता बीमार हो गए थे, आज मर। सावित्री तेरे पिता आज मर गए, मर गए, मर गए, मर गए। भगवान सुन, मेरी बात सुन, तो भगवान पगली, तेरा बाप नहीं मरा है, अजमेर गया है, अजमेर ने। हाँ तूने किसे पढ़ा ये खत? ये बैठी है ना बीए पास के साथ, इन्होंने पढ़ा था। मेरे पिता को क्यों मारती हो? अपने पिता को मारो ना, वरना लिखना आता नहीं और कहती है लापरवाह। चलो तो यहाँ से। अरे अरे घर आए हुए मेहमान के साथ इस तरीके से नहीं पेश आते, ये इसी लायक है। चुप जा, चुप जा। अच्छा माताओ बहनों जाओ, चलो जाओ, कोई नहीं मरा है, सब आराम से है, सब राजी खुशी है। चलो जाओ जल्दी जाओ, चलो यहाँ धन देकर बैठ गई हो। काकी बुरा ना मानना इसके कहने का, अरे भगवान इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ा कर, अगर ये ठीक से पढ़ना जानती तो अजमेर गए को आज मर गया नहीं पड़ती। है काकी बड़ी भगवान हो, बीए पास बहु मिली। हाँ भैया इसमें क्या शक है। घर की रानी हूँ जी मैं, घर की रानी हूँ जी मैं, घर की रानी हूँ जी मैं, घर की रानी हूँ जी। शाम कहूँ मैं मंगल तारा, भूर सुहानी हूँ जी मैं, घर की रानी हूँ जी। जब बर्तन छेड़े सरगम मैं भूलू अपना हर गम, इस आंगन के दर्पण में मेरा मुखड़ा चमके चमचम। यही मेरी दुनिया, यही मेरी दुनिया, मैं इस दुनिया की दीवानी हूँ जी मैं, घर की रानी।
हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी। से पत्नी ममता से है माता, कितना सुंदर कितना प्यारा हो, कितना सुंदर कितना प्यारा, नारी का ये नाता हो, नारी का ये नाता, सदा नया एक रूप, सदा नया एक रूप, सदा एक नई कहानी हूँ जी मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी। अभिमान न आए दुख में धीर न छूटे, सुख में कभी अभिमान न आए दुख में धीर न छूटे, तुम्हारी दया न मुझसे रूठे, गिरे नाखों से, गिरे नाखों से आंचल पर, मैं वो पानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी, मैं घर की रानी हूँ जी। करता है जिधर जाएगा पैसा मिलेगा, पर तुम क्या करेगा हमारे बिगर? चंद्रा अरे मेरा हुक्का तो दे जा। चंद्रा नौकरी छोड़ गई बाबूजी। नौकरी छोड़ गई क्यों? मैंने उसे निकाल दिया, बहुत सिर चढ़ गई थी। लेकिन आजकल वैसे ही नौकर मिलना मुश्किल है बहू, उधर रामू भी बीमार है, अब घर का काम कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा? मैं बताऊं, होटल से डिब्बे मंगवा लीजिए, कॉरोनेशन होटल में बड़ा अच्छा खाना मिलता है। होटल का खाना तो सुरेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बहू, और मुझे भी आदत नहीं। एक काम करो, जब तक नौकर नहीं मिलता तुम ही पका लिया करो। जी नहीं, मुझे ये काम बिल्कुल नहीं आता। जरूरत के वक्त सभी काम करने चाहिए बेटी, करते करते सीख जाओगी। आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। जी नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, कॉलेज में खाना पकाना बर्तन मांजना थोड़ी सिखाया जाता है। लेकिन आज तो सुरेश भूखा गया बहू, अभी थका हुआ आएगा तो।
बाबूजी, आप ही क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, नौकरानी काम छोड़कर चली गई ना, इसीलिए। नौकरानी काम छोड़कर चली गई तो अलका वतन मान जाएगी। अलका, ए अलका! सुरेश, सुरेश, उसी ने बोला थोड़े से बर्तन मैं खुद मान लूंगा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? चलिए उठिए, हाथ धोइए। आप बर्तन मानेंगे तो अलका किस मर्ज की दवा? अलका क्या करेंगे तुम? ऊपर देखती नहीं बाबूजी बर्तन मांज? मैंने थोड़ी कहा था बर्तन मांजने के लिए। मैं जानती हूँ ये मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, शर्मिंदा करना चाहते हैं। अलका, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं। अलका, अलका, अलका! सुरेश जाने दे बेटा, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, अभी बच्चा ही तो है। तू जा कपड़े बदल ला, जब तक मैं काम के लेता हूँ। अरे काम ही कितना है। नहीं बाबूजी, आप रहने दीजिए, मेरे होते हुए आप काम करें, लाना था मुझ पर। अरे पागल हो गया क्या? क्यों कर रहे हैं? अलका कहाँ गई? वो तो बीए पास है ना चाचा, वो बर्तन कैसे मांजेगी? बीए पास हुई तो क्या हुआ बेटा, घर का काम तो करना चाहिए। उस वक्त तो आप ही ने कहा था कामकाज में होशियार है, खाना भी खूब पकाती है, आते ही घर संभाल लेगी। मगर मैंने तो कुछ उल्टा ही पाया, राम जाने इसकी गृहस्थी कैसे चलेगी। माँ बाप भी अच्छे रहे और आप भी अच्छे रहे। भाई मैंने तो अच्छे के लिए किया था। हाँ सब अच्छा ही हो रहा है चाचा, आप बैठिए आराम से, हम आते। नहीं बेटा आज तो नशा उखड़ गया, फिर कभी आएंगे। नागरानगर पढ़ाना लिखाना बिल्कुल बेकार है, बेकार हो जाती हैं लड़कियां पढ़ लिख कर। नहीं पढ़ाना चाहिए, हर किसी नहीं पढ़ाना। ये क्या कर रही, छोड़ो इस पढ़ने लिखने को, फेंको इस किताब को। बिल्कुल निकम्मी हो जाती हैं औरतें पढ़ लिख कर। अरे वो बेचारा बुढ़ा बर्तन मांज रहा है। आखिर बात क्या थी जी? अरे बात क्या होती, मैं क्या जानू कौन कैसी निकलेगी है? पहले तो कहते हैं सब दयाराम जी पढ़ी लिखी चाहिए, बीए पास, एमए पास। ठीक कहा है किसी ने, खोले की दलाली में हाथ काले। एक तो घर बसाओ और ऊपर से बुराइयां लो। अब नहीं पढ़ूंगा मैं किसी के बीच में, चाहे किसी की शादी हो या ना हो। मगर आपने तो ठेका उठा रखा है ना सारे शहर की लड़कियों की शादी कराने का, कर भला हो भला। ए? एक तो जेब से आने जाने के पैसों का खर्चा और ऊपर से बदनामी। आज से मैं किसी बेईमान का काम नहीं करूंगा। ये रहे लड़के और ये रही लड़किए और ये रहे उनके पते, एड्रेस बीए पास। ससुरो लो बीए पास, लो जा तू मेरे लिए एक कप चाय बना के ला, जा। नमस्कार दया। नमस्कार। ओह कौन घनश्याम दास जी, आइए आइए तशरीफ रखिए, सुनाइए क्या हाल चाल। क्या हाल चाल है दयाराम जी, लड़की सियानी हो गई, परेशान हो गया मैं तो, कोई लड़का ही नहीं मिलता है जी। लड़के तो मैं जेब में रखता हूँ। वो रहे लड़के, मगर ये तो बताइए आपकी लड़की बीए पास तो नहीं है? जी नहीं। फेल हो गई? तब तो बन गया काम। अरे सावित्री एक कप चाय ले आना, मैं अभी दिखाता हूँ लड़के। ये देखिए लड़के, लड़के पड़े हुए तमाम फैले हुए हैं, ये देखिए। ये कितने लड़के चाहिए आपको देखिए। ये लीजिए, वैसे तो सभी लड़के बढ़िया हैं, लेकिन इनमें से मुझे ये पसंद है। पोस्ट ऑफिस में काम करता है, 250 रुपया तनख्वाह है, माँ बाप जिंदा हैं, खाता पीता घर है, 25 बरस की उम्र है, चींच पोकली में एक मकान भी है। चींच पोकली में? जी हाँ जी। तो दयाराम जी आप ही बातचीत कर लीजिए, लड़के के बारे में तो आप जानते ही हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप बेफिक्र रहिए, लीजिए चाय पीजिए। मेहरबानी, मैं नहीं पीता। आप चाय नहीं पीते? जी नहीं। तो अब मुझे कब आना चाहिए? आप ऐसा कीजिए आज शाम को मैं उनसे बात कर लूंगा, आप कल तशरीफ लाइए। जैसी इच्छा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। तुम तो कहते थे कि मैं किसी के बीच में नहीं पढ़ूंगा, अब बोलो ना, बोलो। तुम तो जानती हो कर भला हो भला। अच्छा तुम ऐसा करो, जाओ किताब ले आओ, मैं तुम्हें पढ़ूं। अब हम नहीं पढ़ने। क्यों? तुम्हें तो पढ़ाई बंद कर दी। अरे पगली, मैं खत लिखूंगा तो तू पढ़ाएगी किससे? घसीटा मल से। मगध देश में एक बड़ा पराक्रमी राजा था,
उसके दो संतान थी, एक लकड़ी एक लकड़ा। लकड़ा लकड़ी नहीं माजी, लड़का लड़की। हाँ लड़का लड़की, जबान भर जाती है बेटा। और एक अलका आई है शायद। आओ अलका, आओ। अच्छी तो हो ना? हाँ। बैठो। नहीं चलो तुम्हें शॉपिंग को ले चलूं। शॉपिंग को? मगर मेरा निकलना तो इस वक्त मुश्किल है। क्यों? वो अभी आए जो नहीं ऑफिस से। अच्छा तो उनका हुक्म लेना पड़ेगा शायद। उनसे पूछे बगैर कैसे जा सकती हूँ मैं? वो जाते हैं तुमसे पूछ के। उनकी बात और है अलका, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। ओह, और तुम नहीं हो अपनी मर्जी के मालिक? नहीं अलका, जो उनकी मर्जी वही मेरी मर्जी। तुम्हारी जैसी औरतों ने तो मर्दों को सिर पे चढ़ा रखा है, औरतों की आजादी को बेच डाला है, दासी बना के रख दिया है बिल्कुल। लेकिन वो तो मुझे दासी नहीं समझते। हजी दासी तो क्या, अगर आपका यही हाल रहा तो आपको खरीदी हुई लौंडिया समझेंगे। अच्छा देखो तुम चलती हो कि नहीं मेरे साथ? नहीं अलका, मैं तो नहीं जा सकूंगी। क्यों? घर का भी सारा काम पड़ा हुआ है और मुझे खाना भी तो पकाना है। खाना? हाँ। तो तुम इनका खाना भी पकाती हो? मैं तो घर का सभी काम करती हूँ। ओह दीदी, दीदी क्या तुमने बीए इसीलिए पास किया था कि सारी पढ़ाई लिखाई को चूल्हे में डालकर जिंदगी भर तक उसे फूंकती रहोगी? चूल्हा फूंकना कोई बुरा काम है अलका? जी नहीं। और फिर अपना काम अपने हाथ से करने में कैसी शर्म। लेकिन तुम्हारी वो बुढ़िया सास क्या घर में बैठी बैठी मक्खी मारा करती है सारा दिन? अरे चुप चुप चुप। अरे क्या चुप चुप चुप? अलका बेटी, आज तेरी बहन तो हमें मक्खियां भी नहीं मारने देती, जरा देख तो कितना साफ सुथरा रखती है घर को, नाम को भी नहीं है मक्खी। बहुत अच्छा करती है जी, हर रात भी किसी से कम नहीं। नमस्ते दासी। किरण। अरे ये क्या ले आए? कपड़े हैं, कपड़े तुम्हारे लिए। काफी कपड़े तो हैं मेरे पास, और क्यों ले आए? मगर इस डिजाइन के नहीं होंगे। किरण मैं तुम्हें दुनिया के तमाम ड्रेसेस में देखना चाहता हूँ, पंजाबी, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी। नहीं देखो जी, मैं तो सदा वही रहूंगी जो हूँ, ड्रेस के बदल लेने से इंसान थोड़ी बदल जाता है। तुम नहीं समझोगी मेरे मन की बात। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फोर्ट जाना है, फोर्ट। लेकिन मैं क्या करूंगी फोर्ट जाके, आप हो आइए। अरे भाई तुम्हारे लिए तो जाना है। देखो पहले जाएंगे दर्जी के यहाँ और उसके बाद ब्यूटी हेयर कटिंग सैलून, खचाक खचाक बॉब कट कराऊंगा तुम्हारे। हटो भी, हम नहीं कटाएंगे अपने बाल वाल। ए लेकिन मैं तुम्हें बॉब कट में देखना चाहता हूँ, प्लीज डार्लिंग। देखो जी तुम बुरा मानो या भला, मैं बाल नहीं कटवा सकती। और मैं कहता हूँ तुम्हें बाल कटवाने ही पड़ेंगे। और मैं पूछती हूँ क्या तू पागल हो गया है? हाय कितने अच्छे बाल है बेचारी के, खबरदार बहू जो बाल कटवाए तो। माँ ये मेरी औरत है समझी, इसको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। चल बैठ, हुक्म के एक के मेरी बहू है, घर की लक्ष्मी है समझा, मेरे बाद घर संभालना है इसे। बाल कटवाए वो जो ठल्ली हो, चल बहू। टैक्सी में से हमारा सामान ले आओ। तू क्या देखता है? जो कुछ नहीं मेरे साथ। बहुत सुंदर। तुम मेरे बाल कटवाने से नाराज हो गए? तुम सर भी कटवा दो तो मैं नाराज नहीं हूंगा।
इतनी नफरत है हमसे? नफरत तुमसे नहीं है अलका, तुम्हारी आदतों से। मेरी आदत मुझे मुबारक और तुम्हारी नफरत तुम्हें। बहुजी आपका सामान। बहुजी और निकल जाए यहाँ से। ना ये तो मैंने नहीं कहा। फिर शिकायत क्या है? तुम्हारे सहयोग की। तुम जानती हो अलका के मैं एक औसत दर्जे का आदमी हूँ और आजकल मेरी आमदनी कुल 400 या 500 रुपए महीना। समझ गई, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। जो आज की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते उसे शादी करने का कोई हक नहीं है। सच कहती हो अलका, लेकिन तुम्हें तलाक लेने का हक है। ले सकती हो तलाक। तुम मुझे तलाक लेना चाहते हो, छोड़ देना चाहते हो? मैं तो नहीं चाहता। फिर तुम्हारी मुझसे ये बातें कैसे निकली? कैसी हिम्मत हुई तुम्हें ये कहने की? तलाक लेने के बजाय मेरा गला घोट दो ना, छोड़ दे दो ना मुझे। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम तलाक की धमकी देकर मेरी इच्छाओं को दबा देना चाहते हो, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो सिर झुका देती है। शौक करूंगी तो अपने बेटे पर, अपने बेटे पर। मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, समझे? सुरेश बाबू आओ, दिलीप आओ। अच्छे तो हो? हमारा क्या हो रहा है भाईजान? होना क्या है, सब ठीक ही है भाई। अलका देवी कहाँ है? यहीं। अलका और सुनाओ क्या हाल चाल है? अजी अपना क्या, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सब भी है। जी नमस्ते अलका देवी, कहिए क्या हाल चाल है? बहुत खूब, बहुत सुंदर, कितनी अच्छी लग रही हैं आप बाल कटवा कर। क्यों सुरेश? हाँ भाई अपनी अपनी पसंद है। इनसे क्या पूछते हैं आप? ये तो कहते हैं बाल कटवाने के बजाय सिर कटवा दिया होता तो अच्छा था। हैं? यार सुरेश तुम भी नीरे गाजर पारखी, देखो कितनी स्मार्ट लग रही है अलका देवी इस वक्त। और एक वो है इनकी बहन किरण बाला, मैंने कहा चलो बॉब कट करवा दूं, नहीं ड्रेसेस सिलवा दूं, नहीं फ्लैक्स बनवा दूं, वही 5 गज की साड़ी लपेट लेती है और दिन भर घर का काम किया करती है। हमने तो नौकरानी से शादी कर ली है अलका देवी। दिलीप बड़े मुकद्दर से मिलती है ऐसी औरत। तो फिर किरण ही से क्यों नहीं शादी कर लिया आपने? किस्मत में तुम जो लिखी थी अलका। भाई ये क्या बात है, मैं आया और आप लोग झगड़ने लगे। चलो मैं आप दोनों को अपने क्लब ले चलूं। आप चलेंगे अलका देवी? किस क्लब में जाते हैं आप? मॉडर्न क्लब। सुनिए हम भी क्लब ज्वाइन करेंगे। तुम्हारी इच्छा है अलका। और तुम सुरेश? भाई मैंने तो गृहस्थी की क्लब ज्वाइन की है, देखता हूँ नीति या नहीं। अरे भाई तुम्हें और हमारी किरण को तो इस 20वीं सदी में जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, दोनों पुराने जमाने के आदमी हैं। लेकिन साहब इस वक्त 6 बज रहे हैं और मैं, आप चल रही हैं अलका देवी? सुनिए मैं जाऊं उनके साथ। मुझसे क्या पूछती हो अलका, अगर तुम ठीक समझती हो तो जरूर जाओ। बहुत अच्छा, आप यहीं ठहरिए, मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। चलिए दिलीप बाबू। अच्छा सुरेश, टाटा। चलिए। सुनिए आपको कोई इतराज तो नहीं है? नहीं अलका, इसमें इतराज की क्या बात है, आखिर ये तुम्हारे बहनों ही हैं और तुम इनकी साली हो। बहुत अच्छा, बड़ा ही रूखा आदमी है सुरेश भी। अजी यही तो उम्र है मौज उड़ाने की। मेरा ख्याल है सुरेश आपसे मोहब्बत नहीं करता। जी नहीं, वो मुझे बहुत चाहते हैं, बेहद प्यार करते हैं मुझसे। मगर ये तो रूखा प्यार है अलका देवी, खाना कितना ही लजीज हो बगैर अचार और चटनी के मजा ही नहीं आता। ओ मिस्टर दिलीप,
बुरा ना मानिएगा अलका देवी, अब देखिए ना किरण आप ही की बहन है, मुझे प्यार भी करती है, बेहद प्यार करती है, लेकिन आपके साथ घूमने फिरने और बातें करने में जो मजा आता है वो किरण के साथ नहीं आता। शाबाश, बहुत अच्छी, क्या बात। कौन कपूर साहब, बैठे बैठे तशरीफ रखिए, फरमाइए क्या हाल चाल है, बहुत जमाने के बाद दर्शन हुए। बस हाल ही हाल है दयाराम जी। क्यों, खैरियत तो है? वैसे तो खैरियत है दयाराम जी। हाँ हाँ, कहिए कहिए। क्या कहूँ भैया, अपनी जांग उघाड़िए, आप ही लाजो मरिए, वो तुम्हारी अलका कुछ गलत रास्ते पर चल रही है, है? मैं उसे कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, मगर रातों को क्लब में जाना, 11-11 बजे तक वापस आना, ये कहाँ तक मुनासिब है लड़कियों के लिए? मगर साहब ये तो सुरेश की कमजोरी है, और आपसे क्या कहूँ, आपकी भी कमजोरी, क्यों नहीं डांट में रखते हैं आप उसे? डांटने का अब जमाना नहीं रहा दयाराम जी, और फिर वो पढ़ी लिखी है, बीए पास है, आप उसके बाप से कह दीजिए कि वो अलका को बुलाकर समझा दें। अच्छी बात है, जाऊंगा किसी दिन, लेकिन सुरेश को भी ढील नहीं छोड़नी चाहिए। वो दुनिया को तमाशा नहीं दिखलाना चाहता दयाराम जी, मेरी और मोहल्ले वालों की शर्म करता है, सारी बुराइयों की जड़ तो दिलीप है। दिलीप? हाँ, वही उसे लिए घुमा करता है, कहें तो मुसीबत, न कहें तो मुसीबत, वो बहनोई जो ठहरा उसका। अजी बहनोई हुआ तो क्या हुआ, डांट पिला दीजिए उसे, मैं भी किसी दिन उसकी माँ से कहूँगा। अच्छा तो फिर इजाजत दीजिए, यही कहने के लिए आया था। चाय नहीं पीजिएगा? फिर किसी दिन, नमस्ते। नमस्कार दयाराम जी। नमस्कार, आइए आइए। दयाराम जी, सचमुच दयाराम जी हैं आप, सैकड़ों लड़के लड़कियों की शादी करा दी आपने, कितने उजड़े हुए घर बसा दिए आपने, बड़े परोपकारी हैं, बड़े परोपकारी हैं। अरे भैया, इसमें परोपकारी की क्या बात है, अपना तो काम है सेवा करना, कर भला हो भला। कितने ऊंचे ख्याल हैं आपके, मैं भी यही सोच कर आया था दयाराम जी कि मुझ पर भी जरूर दया करेंगे आप। जरूर जरूर। ये तो बताइए, आपको लड़के की जरूरत है या लड़के की? अजी लड़की की, लड़के तो 6 हैं आपकी दुआ से। अच्छा जी, आधा दर्जन? जी हाँ। क्या काम करते हैं? अभी तो बच्चे ही हैं, बड़ा लड़का 15 वर्ष का है। 15 वर्ष? इतनी उम्र में उसकी शादी कर रहे हैं? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ। नहीं अजी, मैं उसके लिए थोड़े ही कह रहा हूँ। फिर किसके लिए? मैं तो अपने मुताबिक कह रहा हूँ। आप शादी करेंगे? जी हाँ। खूब। अरे सुनती हो जी, वो अपने इधर मन्नो आती है? मन्नो? हाँ। वो कितने बच्चों की माँ है? 5 बच्चों की। 5 बच्चे? 5, 6, 11 पूरी फुटबॉल होगी। उसकी उम्र क्या है? उम्र तो कोई बहुत नहीं है जी, बस 50 की होगी। 50? लड़की मिल गई लाला जी, जोड़े खूब मिलेगी। ये क्या कहते हो दयाराम जी, मैं और 5 बच्चों की माँ से शादी करूंगा? मैं और 5 बच्चों की माँ से शादी करूंगा? तुझे 6 बच्चों का बाप हो गया तो कौन शादी करेगा, चले गली से। और सुन, अगर तेरे घर में आईना ना हो तो किसी नाई की दुकान में। अरे तो छोड़ इस काम धंधे को, वो दलित घूमने जा रहा है, तू भी उसके साथ जा। पर खाना कौन पकाएगा माँ जी? मैं पका लूंगी ना, तू रोज उसके साथ जाया कर, कभी 10 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, तू साथ रहेगी तो वक्त पर आ जाएगा। उठ जल्दी से। अरे उठ ना। आज हम भी चलेंगे आपके साथ घूमने। लेकिन मैं तो स्टेशन जा रहा हूँ। स्टेशन? दिल्ली ऑफिस का मैनेजर आ रहा है। ये लो 150 रुपये। बस 150 ही? हाँ, बाकी खर्च हो गए। 200 खर्च हो गए? आखिर क्या किया जी तुमने इतने रुपयों का? मुझे हिसाब लिखने की आदत नहीं। लेकिन मैं कैसे चलाऊं घर का खर्च, पिछले महीने भी 150 दिए थे, अब इस महीने भी 150। ओफो, कह जो दिया इतना ही बचा सका, अभी तक क्लब का चंदा नहीं दिया।
तो छोड़ क्यों नहीं देते क्लब? तुम खाना क्यों नहीं छोड़ देती? सुनिए, फरमाइए। देखो जी, मैं तो खाना भी छोड़ दूं, लेकिन घर के और खर्च भी तो हैं। माँ जी हैं, तुम्हारे ही दूसरे खर्च हैं। तुम कहो तो मैं भी नौकरी कर लूं कहीं। क्या हर्ज नौकरी करने में, अगर कहीं मिलती हो तो जरूर करो। और देखो, मैं खाना नहीं खाऊंगा रात को। अलका, अरे वाह, तुम तो तैयार भी हो गई। जल्दी करो, 8 बजे से पहले जगदीश की शादी में पहुंचना। शादी? शादी में कैसे जा सकते हैं? क्यों? दिलीप ने आपको और मुझको नाटक देखने के लिए जो बुलाया। मैं तो आपका इंतजार ही कर रही थी, अभी आती हूँ। मगर अलका, शादी में तो जाना ही पड़ेगा। दिलीप को मैं समझा लूंगा। नहीं, हमसे वादा करके आया हूँ अलका। मैंने भी तो दिलीप से वादा किया है, बल्कि उन्होंने तो सीट भी रिजर्व करा ली होगी। लो, आ गई। चलो। मगर वो लोग हमारा इंतजार करेंगे, बुरा मानेंगे। लेकिन दिलीप भी तो बुरा मानेंगे। जगदीश का मन रखने के लिए हमें जाना चाहिए। शादियों को रोज रोज तो होती नहीं, और फिर तुम जानती हो जगदीश मेरा कितना पुराना दोस्त है। लेकिन दिलीप मेरा बहनोई है और किरण मेरी बहन है, क्या हमें उनका मन नहीं रखना चाहिए? दिलीप घर का आदमी, फिर किसी दिन चले चलेंगे। नहीं, वो बेचारे निराश होकर चले जाएंगे और किरण बुरा मानेगी। तो फिर तुम ऐसा करो, तुम ही चली जाओ। तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? मैंने कहा ना, मुझे जगदीश की शादी में जाना चाहिए। बहुत अच्छा, जाइए अपने दोस्त की शादी में। अलका, सुरेश नहीं आया? उन्हें अपने दोस्त की शादी में जाना है। अरे, किरण कहाँ है? जी, वो उसे अपने घर के कामों से फुर्सत ही नहीं। तुम चलो। हम दोनों ही? क्यों, कोई हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं। चलो ड्राइव। मेरा ख्याल है सुरेश ने बहाना कर दिया, वो तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहता। वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर तुम्हें रोकना चाहता होगा? नहीं, वो कभी भी मेरी किसी इच्छा में बाधा नहीं डालते। सच कहती हूँ दिलीप, ऐसा हस्बैंड बड़े भाग्य से मिलता है, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन तुमसे अच्छा नहीं, तुम तो हीरा हो अलका, हीरा। सुरेश तुम्हारी कदर ही नहीं जानता। आराम से बैठो ना। ठीक है, तो बैठूंगा। अच्छा देखो, नाटक शुरू होने में भी काफी देर, मेरा ख्याल है पहले अंपायर होटल में जाकर कुछ खा पी ले और उसके बाद। नहीं दिलीप, खाना तो मैं घर ही जाके खाऊंगी, वो मेरा इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा, चल भाई अपन आओ। ए दफ्तर हो या घर हो भैया, महल हो जाहो चाल, ए जी शहर के हर कोने में बिछा है मकरी का जाल। समाल अरे समाल 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 समाल, पर क्या पल्ला डोरी पल्ला, पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला। ए जी कदम कदम पर धोखे है बाबू गली, हो या हो मोहल्ला। पल्ला डोरी पल्ला, पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला, पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला। अच्छा होटल देख के बैठी पीने कोका कोला, तो फिर अरे का क्या फिर दे देना, सेठ ये हंस कर बोला। ऐसा फिर दिखा के गला लगा रे जाने। अच्छा दिखा के गला लगा रे जाने, मुझको पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला, पल्ला डोरी पल्ला हे, पल्ला डोरी पल्ला। एक मुझे नौकरी दी थी किसी ने,
अगर मालकिन पहुंचने जाते तो अगर मालकिन पहुंचने जाती क्या होता मेरे अल्लाह पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला एक महाशय मुझे कहा करते थे सिस्टर 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 है लेकिन दिल में और ही कुछ सोचा करते थे मिस्टर ऐसा फिर देख के मौका झट से एक दिन देख के मौका झट से एक दिन झपट लिया मेरा पल्ला मिला मुझे एक नाटक वाला नाम था जिसका टिम्मी टिम्मी कहने लगा मैं तुझे बना दूंगा नरगिस या और कहने लगा शाम को आ जाना घर मेरे शाम को आ जाना घर मेरे दस नंबर भाई खला पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला कदम कदम पर धोखे हैं बाबू गली हो जा हो मोहल्ला पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला पल्ला डोरी पल्ला हे पल्ला डोरी पल्ला पल्ला डोरी बाय बाय गुड मॉर्निंग डार्लिंग गुड मॉर्निंग ये लौंडिया कौन है बड़ी चुनके रखी है प्लीज भली लड़की है शादीशुदा है कुछ सोचना भी उसके बारे में गुना निहायत शरीफ लड़की है यस मिस्टर माथुर ओ यस 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 दैट विल डू थैंक यू अलका जल्दी आओ खाने के लिए बेटा दो बज गया सूरज को जाना है बहुत देर लगा दी कहाँ चली गई थी जरा जू गई थी दिलीप के साथ सुन लिया बाबूजी आपने राम गरम गरम चपातियां लिया बुरा मत मानना बेटी तुम खुद समझदार हो पढ़ी लिखी हो इस तरह गैर आदमी के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं दलीप गैर आदमी है माना गैर आदमी है फिर बात यह है बेटी जमाना बुरा है जमाना बुरा नहीं आप बुरे हैं आपका मन बुरा है आपके ख्याल बुरे हैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म तो इन्हें आनी चाहिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ना ना बेटी मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैं तो समझा रहा हूँ क्या समझाएंगे आप मुझे आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ बीए पास किया है सुरेश इन्हें खामोश रहने के लिए नहीं कहते इनका मुंह बंद नहीं करते ये मुझे बदनाम करते फिरते चाचा से मेरी बदनामी की डैडी से मेरी शिकायत की अब तो इस घर में ये रहेंगे या मैं रहूंगी ये तो यही रहेंगे अलका तुम जा सकती हो नहीं नहीं सुरेश ये क्या कहता है अलका बेटी बैठो खाना खाओ बैठो ना बैठो अलका बेटी अरे सुन तो कह दीजिए बाबूजी आप खाना खाइए सुरेश ये तूने क्या किया आप क्यों चिंता करते हैं बाबूजी इस घर में आपकी इज्जत होगी आपके जूतों की पूजा होगी तुम करें इनके जूतों की पूजा मैं जा रही हूँ वापस तो नहीं आओगी हरगिज नहीं जब तक ये इस घर में रहेंगे कभी नहीं आऊंगी एक दिन तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा अलका तभी तुम्हारे अभिमान की रक्षा होगी मैं अपने अभिमान की रक्षा करना खूब जानती हूँ मेरे बुढ़ापे का ख्याल कर मैं तुझसे माफी मांगता हूँ हट जाइए मेरे साथ अलका मेरा कहा मान बेटी ना जा मैं खुद चला जाऊंगा अरे मैं खुद चला जाऊंगा तू कहीं ना जा बेटी अलका
बदल कर क्यों चलता इंसान से है इंसान हो किसी का रहा नहीं अभिमान किसी का रहा नहीं अभिमान आँख बदल कर क्यों चलता इंसान से है इंसान इंसान से है इंसान किसी का रहा नहीं अभिमान किसी का रहा नहीं अभिमान आसमान पर उड़ने वाले धरती को पहचान धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान किसी का रहा नहीं अभिमान यहाँ लगे सुख दुख के मेले खुशी को ले या गम को ले ले गम को ले ले अपनी करनी का तू मालिक नफा हो या नुकसान अपनी करनी का तू मालिक किसी का रहा नहीं अभिमान आँख बदल कर क्यों चलता इंसान से है इंसान इंसान से है इंसान किसी का रहा नहीं अभिमान किसी का रहा नहीं अभिमान को सूरज चढ़ते देखा शाम को उसको ढलते देखा ढलते देखा फूल में मिलते हमने देखी बड़े बड़ों की शान फूल में मिलते हमने देखी बड़े बड़ों की शान किसी का रहा नहीं अभिमान किसी का रहा नहीं अभिमान आग बदल कर क्यों चलता इंसान नहीं, तुम चुप रहो भगवान के लिए मैं कहती हूँ क्या बुरा कह दिया रघुनाथ जी ने और मैं पूछता हूँ ठीक क्या कह दिया उन्होंने और सुनो अरे जरा दिलीप के साथ बाहर घूमने चली गई तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया लड़की ने जाओ बेटा तुम अंदर जाओ जब तक वो बुढ़ा आकर यहाँ नाक न रगड़ेगा सर न पटकेगा मैं कभी न जाने दूंगा तुझे समझ क्या रखा है बुढ़े ने बाबूजी कहाँ जा रहे हैं कहीं नहीं बेटे जरा सुखलाल जी के घर तक नहीं बाबूजी आप अलका को लेने हरगिज नहीं जा सकते वो जिन पैरों से गई उन पैरों से वापस आएगी नहीं बेटे वो बच्ची है नादान है मैं उसे समझा बुझा कर ले आऊंगा तो उसकी राय में राय मिलाकर चल मेरा क्या है मैं कहीं भी चला जाऊंगा आप यहीं रहेंगे बाबूजी आपको मेरी कसम अगर आप अलका को लेने गए मैं औरत के लिए बाप को नहीं छोड़ सकता बाप के लिए औरत को छोड़ सकता हूँ सुरेश आप चिंता ना कीजिए बाबूजी वो आएगी उसका बाप आएगा कौन मैं अजी मैं हरगिज नहीं जाऊंगा और ये सब तुम्हारा कसूर है दयाराम तुम्ही ने मेरी लड़की को डुबो दिया और क्या बताओ उस बुढ़े की जिम्मेदारी कि मेरी लड़की को बदनाम करे और उस पर झूठा इल्जाम लगाए और तुम्हारी लाडली की ये मजाल कि उस ज़हीफ़ आदमी को बुरा भला कह के घर से निकल जाए यही सिखाया तुमने उसे मैंने नहीं कहा था तुमसे शादी करने के लिए तुम ही ने हाथ जोड़े थे मेरे भाई साहब दूसरों को बुरा भला कहने से पहले अपनी लड़की को समझाओ जाकर क्यों गई थी वो दिलीप के साथ समुद्र में डूबने
अलका दूध पीती बच्ची नहीं है, वो अपनी मर्जी से गई थी, जाती है, जाएगी। और फिर मेरे साथ जाने में हर्जी क्या है, आखिर मैं उसका बहनोई ही हूं। और वो मेरी साली। अगर मैं भी अलका की तरह आपको छोड़कर सुरेश बाबू के साथ जाने लगूं तो आपको अच्छा लगेगा? बुरा भी क्या लगेगा, अगर सुरेश तुमको ले जाए तो शौक से जा सकती हो। भगवान के लिए मेरी इतनी बात रख लीजिए, अलका के साथ कहीं न जाया कीजिए। सोचूंगा। ठहरिए, आज मैं भी चलूंगी आपके साथ घूमने। पागल हुई, मैं तो क्लब जा रहा हूँ। और सुनो, रात को जरा देर से आऊंगा। बोलो बेटा। मैं जरा अपनी माँ के घर होया हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ जा। और सुन, उस अलका के कान खींचना अच्छी तरह, लड़ झगड़ के जा बैठी है बाप के घर। मैंने तो जब सुना, सच कहता हूँ माँ जी, इतना गुस्सा आया कि खुद डूब मरूं या सुरेश बाबू का खून कर दूं। मुझ पे शक करना अपने भाई पे शक करना है। अजी अलका जैसी लड़की उसको सात जन्म लेने पर भी ना मिलेगी, बेचारी मेरे साथ ही तो जाती, किसी गैर के साथ तो नहीं जाती। ना गैर के साथ भी जाऊँ तो क्या, इसका ये मतलब है कि मैं बच्चे लूं? उनसे ज्यादा समझती हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी को। अब इस बात को सुरेश क्या समझे, वो तो साली बहनोई का रिश्ता ही खत्म कर देना चाहता है। खैर उसकी मर्जी, अब मिलने भी नहीं आया करूंगा, घूमना तो रहा दरकिनार। क्या तुम ये चाहते हो दिलीप, कि वो मुझे जूते मारे और मैं सर चुका दूं, वो मुझ पे झूठा इल्जाम लगाए और मैं कबूल कर लूं? मुझे भी जिद है, मैं तुम्हारे ही साथ घूमने जाया करूंगी। अलका बेटी, तुम बैठ जाओ दिलीप, मैं आज भी तुम्हारे साथ क्लब जाऊंगी। अलका बेटी, जिद नहीं किया करती, तू लड़की है, सोच समझ चलना चाहिए। सोच समझ कर ही चल रही हूँ मां, मुझे उनके साथ जाने में कोई बुराई नजर नहीं आती। अरे तुम यहां आना था, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई? मुझे क्या मालूम था आप यहाँ आएंगे, आप तो क्लब जा रहे थे ना। हाँ लेकिन वो किरण माँ। अरे बेटा, मैं तो तुझे देखने को तरस गई। अलका कहाँ है माँ? अंदर है, तू उसे समझा बेटी। अरे बैठो बेटा, खड़े क्यों हो? जी हाँ बात तो छोड़ दो अलका, लेकिन तुम्हें क्लब नहीं घर जाना चाहिए, सुरेश बाबू से माफी मांगनी चाहिए। अलका किसी से माफी नहीं मांगती। देखो अलका, माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, पति से रूठकर कहां जाओगी बहन? हाँ हाँ, कह दो के वो भगवान है, तुम उनकी दासी हो, तुम्हें उनके पैरों में नाक रगड़नी चाहिए, उनके चरणों में लेट कर सिजदे करने चाहिए, यही कहना चाहती हो ना? पति को भगवान समझने में औरत का ही बड़ापन है अलका, और मैं तुम्हें सिजदे करने को तो नहीं कहती, सिर्फ मर्यादा का पालन करने को कहती हूँ, आखिर वो तुम्हारे पति हैं। और मैं उनकी खरीदी हुई दासी हूँ किरण, मैं ये नहीं भूल सकती कि जो अधिकार उन्हें है वो मुझे भी है, अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मुझमें भी जान है, अभिमान है, मैं अपने अभिमान की रक्षा करूंगी। ये अभिमान नहीं, ये तो हठधर्मी है अलका, तुम बर्बादी की तरफ जा रही हो,
अपने घरेलू सुख में आग लगा रही हो। आग लगा रही हूँ तो अपने सुख में, तुम्हारे सुख में तो नहीं। मगर उसकी लपटें मेरे घर तक भी आन पहुंची हैं। क्यों जाती हो तुम उनके साथ घूमने? क्यों जाती हो समंदर में डूबने? किरण, अलका, जितना ख्याल मुझे अपना है उतना ही तुम्हारा भी है। वो मर्द है, तुम औरत हो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम डूब जाओगे। तुम नाना बचाने के लिए। अलका, किरण ठीक कह रही है बेटी। दिलीप, अलका मेरा कहा मान बेटी, अपने घर चली जा। कहाँ है जी वो तुम्हारी अलका? मैं गई है, अभी आती होगी। तुम गए थे सुरेश के पास? गया था, वहीं से आ रहा हूँ। क्या कहा उसने? सुरेश कभी नहीं आएगा अलका को लेने। क्यों, आखिर कहता क्या है? अजी कहेगा क्या, इस लड़की ने सर नीचा करवा दिया हमारा। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि सारा दोष इसी का, इसी ने रघुनाथ जी से बदतमीजी की, इसी ने उन लोगों का अपमान किया और खुद लूट कर यहाँ चली आई। उधर दयाराम जी ने भी 200 बातें सुनाई मुझे। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। लो और सुनो, लाड़ मैंने किया कि तुमने? बीए पास कराऊंगा, बीए और कराओ बीए पास। अजी किरण ने भी तो किया है बीए, नौकरी भी कर रही है, घर भी चला रही है, आई कोई उसकी शिकायत? अब मेरी भी कोई शिकायत नहीं आएगी पिताजी, मेरी वजह से आप लोगों को सिर नीचा नहीं करना पड़ेगा। तुम सच कहती हो, मेरे ही लाड़ ने तबाह किया है लड़की को, मैं घर भेज देना। मगर वो बड़ी सिद्धि लड़की है, बिना उसके आए नहीं जाएगी। अजी जाएगी कैसे नहीं, कोई बात है? जब तक कुंवारी बाप का घर, शादी के बाद पति का घर, पढ़ा दिया लिखा दिया शादी कर दी, रहे अपने घर, कह देना उसे सुरेश नहीं आएगा लेने। बेटी इस वक्त खाना नहीं खाएगी? नहीं। अलका कल सुबह चली जाना बेटी। नहीं पिताजी, जब तक कुंवारी बाप का घर, शादी के बाद पति का घर। नहीं बाबूजी, ये नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मैं आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर इस बात के लिए आप मुझे मजबूर न करें। मैं उसकी अकल देखना चाहता हूँ, उसके अभिमान को चूर करना चाहता हूँ। वो जिस तरह सर उठाकर यहाँ से गई है, आप देखिए सर झुकाकर वापस आएगी, आपसे माफी मांगेगी और आपके पांव पड़ेगी। इस घर में उस औरत के लिए कोई जगह नहीं है बाबूजी, जो आपकी इज्जत न कर सके। ठोकर खाने दुनिया के बाजार में चली जवानी, अटक चली जवानी, ठोकर खाने दुनिया के बाजार में, गली गली भटकेगी पगली, गली गली भटकेगी पगली, छल बलिया संसार में। क्यों ठुमक ठुमक चली ओए, ठुमक ठुमक चली ओए, चली जवानी ओ बाबू देख, चली जवानी ठोकर खाने दुनिया के बाजार में, चली रे चली रे चली रे चली चली चली।
महती नमक मिर्च की पुड़िया है तो नमक मिर्च की पुड़िया है। कान खोल कर सुन ले नगीना मैं हूँ एक हजार में। कान खोल कर सुन ले नगीना मैं हूँ एक हजार में। ओ रूप के रसिया ताक लगाए हाय रे जुल्मी ताक लगाए। बैठे हैं गुलजार में कहाँ नैन मटक को चली ओए कमर लचक को चली ओए। चली जवानी अब बाबू देखो चली जवानी ठोकर खाने दुनिया के बाजार में। चली रे चली रे चली रे चली रे चली 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 दिन का नूर है रे बस दो दिन का नूर है। कुछ भी हो अब मुझे न रहना तेरे इस घर बार में। कुछ भी हो अब मुझे न रहना तेरे इस घर बार में। ओ बंधी चली आएगी गोरी बंधी चली आएगी गोरी एक दिन मेरे प्यार में। क्यों छोड़ के बैया चली ओए मुख मोड़ के गुइया चली ओए। चली जवानी ओ बाबू रोको ना चली जवानी ठोकर खाने दुनिया के बाजार में। ओ चली ओ चली ओ चली 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 अजी सुनती हो कहाँ हो तुम? अगर मेरे सामने फिर कभी तुमने अलका का नाम लिया तो मुझसे बुरा और कोई न होगा। अरे क्या बात हो गई? घबराओ नहीं, मरी नहीं है लेकिन मर जाती तो अच्छा होता। अरे मैं पूछती हूँ आखिर हुआ क्या? मेरे नाम को पट्टा लगा दिया है उसने। यहाँ से कह के गई थी कि घर जा रही हूँ और जानती हो कहाँ गई? कहाँ? होटल में। हाय राम होटल में अकेली? हाँ अकेली। और खबरदार जो तुम उससे मिलने के लिए गई अब वो जाने और उसका घर वाला जाने। आज से हमारे लिए वो मर्द। मैं जानता हूं ये सब उसी दिलीप की कार्रवाई। अजी तो क्या तुम समझती हो मैं घर में आराम कर रहा था? अरे भाई मैं खुद गया था उसके पास। जानती हो उसने क्या कहा? कहने लगा मैं उसके लिए मर गया और वो मेरे लिए मर गई। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कह सकती दिलीप, वो ऐसा कभी कभी नहीं कह सकते। तो फिर अपनी बहन से जाकर पूछ लो, अपने बाप से पूछ लो। मैंने कहा सुरेश बाबू कह देने से ना तुम मर गए ना अलका मर गई। मैं भी देख लूंगा कब तक नहीं आओगे उसे लेने। जानती हो उसने क्या जवाब दिया? क्या? जब भूखी मरेगी तब खुद चली आएगी, उसे आना पड़ेगा। ये उनका ख्याल है, मैं जलील बनकर हरगिज हरगिज नहीं जाऊंगी। दिलीप क्या तुम मेरे लिए कोई नौकरी नहीं देख सकते? जरूर देखूंगा। सच कहते हो? मैं तुम्हारे लिए नौकरी भी देखूंगा और सुरेश की अकल भी ठिकाने लगा दूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो समझी। ओ हाँ खूब याद आया, ये काम करो, ये थोड़े से रुपए अपने पास रख लो। रुपए? नहीं नहीं दिलीप, रुपए तो मेरे पास है और फिर ये जेवर भी तो है, खुशी से दो चार महीने कट जाएंगे। देखो भाई ये जेवर हम नहीं, हक और कानून दोनों तुम्हारे साथ हैं। अजी सुरेश को खर्च देना ही पड़ेगा, तुम पास रहो या दूर रहो। नहीं दिलीप मुझे उनकी जरूरत है, उनके रुपयों की नहीं। उनकी जरूरत है तो चलो घर पहुंचा दो, जाते ही बुड्ढे के पैर पकड़ लेना सब ठीक हो जाएगा। चलो। इम्पॉसिबल, मैंने किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। After all, मैंने बीए पास किया है, क्या मैं अपनी जिंदगी आप नहीं बना सकती? क्या मैं अकेली रहकर जी नहीं सकती? Why not? Why not? देखो मैं आज ही से तुम्हारे लिए नौकरी तलाश करूंगा। तो फिर मैं जाऊं, मैं शाम को फिर आऊंगा। हाँ बाय बाय। सुरेश जी, दयाराम आया था, कहता था अलका होटल में रहने लगी है। होटल में? वो होटल में रहे जहन में जाए, मुझे इससे क्या? नहीं बेटे आखिर वो तेरी घरवाली है, इस घर की शोभा है, तेरी खुशी है।
मगर अपनी खुशी के लिए मैं आपकी खुशी नहीं छीन सकता। मैं जानता हूँ ये सब उसी दिलीप की कार्रवाई। अजी तो क्या तुम समझती हो मैं घर में आराम कर रहा था? अरे भाई मैं खुद गया था उसके पास, जानती हो उसने क्या कहा? कहने लगा मैं उसके लिए मर गया और वो मेरे लिए मर गई। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कह सकते दिलीप, वो ऐसा कभी कभी नहीं कह सकते। तो फिर अपनी बहन से जाकर पूछ लो, अपने बाप से पूछ लो। मैंने कहा सुरेश बाबू कह देने से ना तुम मर गए ना अलका मर गई, मैं भी देख लूंगा कब तक नहीं आओगे उसे लेने। जानती हो उसने क्या जवाब दिया? क्या? जब भूखी मरेगी तब खुद चली आएगी, उसे आना पड़ेगा। ये उनका ख्याल है, मैं जलील बनकर हरगिज हरगिज नहीं जाऊंगी। दिलीप क्या तुम मेरे लिए कोई नौकरी नहीं देख सकते? जरूर देखूंगा। सच कहते हो? मैं तुम्हारे लिए नौकरी भी देखूंगा और सुरेश की अकल भी ठिकाने लगा दूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो समझी। ओ हाँ खूब याद आया, ये काम करो, ये थोड़े से रुपए अपने पास रख लो। रुपए? नहीं नहीं दिलीप रुपए तो मेरे पास है, और फिर ये जेवर भी तो है, खुशी से दो चार महीने कट जाएंगे। देखो भाई ये जेवर हम नहीं, हक और कानून दोनों तुम्हारे साथ हैं। अजी सुरेश को खर्च देना ही पड़ेगा, तुम पास रहो या दूर रहो। नहीं दिलीप मुझे उनकी जरूरत है, उनके रुपयों की नहीं। उनकी जरूरत है तो चलो घर पहुंचा दो, जाते ही बुड्ढे के पैर पकड़ लेना सब ठीक हो जाएगा। चलो। इम्पॉसिबल, मैंने किसी के सामने छुपना नहीं सीखा, आफ्टर ऑल मैंने बीए पास किया है, क्या मैं अपनी जिंदगी आप नहीं बना सकती? क्या मैं अकेली रहकर जी नहीं सकती? वाई नॉट वाई नॉट, देखो मैं आज ही से तुम्हारे लिए नौकरी तलाश करूंगा। तो फिर मैं जाऊं, मैं शाम को फिर आऊंगा। हाँ बाय बाय। सुरेश जी, दयाराम आया था, कहता था अलका होटल में रहने लगी है। होटल में? वो होटल में रहे जहन में जाए, मुझे इससे क्या? नहीं बेटे आखिर वो तेरी घरवाली है, इस घर की शोभा है, तेरी खुशी है। मगर अपनी खुशी के लिए मैं आपकी खुशी नहीं छीन सकता बाबूजी, अपने सुख के लिए आपको दुखी नहीं होने दूंगा। सुरेश मेरी खुशी और मेरा सुख तो तू है बेटे, औलाद को खुश देखकर ही माँ बाप खुश होते हैं। मेरा कहा मन बहुरानी को लिया, पिछली बातों को भूल जा। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ बाबूजी, लेकिन आपका अपमान नहीं भूल सकता। अगर उसे अपने बीवी होने का अभिमान है तो मुझे भी आपकी इज्जत का अभिमान। सुरेश मैं ऐसी औरत का मुंह भी नहीं देखूंगा जो मेरे पिता की इज्जत न कर सके। मिसेस अलकनंदा कपूर बीए। जी हाँ। आई सी, तो आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। आपके पति क्या करते हैं? जी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आई सी, तो उन्हें तो काफी तनख्वाह मिलती होगी, फिर आपको नौकरी की क्या जरूरत? जी है कोई जरूरत? माफ कीजिए, हम लोग उसी लड़की को नौकरी दे सकते हैं जिसे जरूरत है, जो गरजमंद है। ये कंपनी की पॉलिसी है। आई एम सॉरी, नेक्स्ट प्लीज। आई सी, नाइस, वेरी गुड। अपने ही पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तभी मर्दों को अकल आएगी। आई मीन आजादी सबको प्यारी है, देश आजाद हो गया है, औरतों को भी आजाद हो जाना चाहिए, आजाद रहना चाहिए। देखिए आप आज ही से काम शुरू कर दीजिए। वेट, दिलीप मैडम, योर टेबल, सैलरी 250। ओह थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो फिर मैं जी, आप जा सकते हैं, गुड बाय। बाय। अच्छा अलका, तो मैं शाम को मिलूंगा होटल में। ओके बाय। बाय। आप टाइपिंग जानती हैं? जी नहीं। गुड, शॉर्ट हैंड, वेरी गुड। और क्या क्या जानती हैं आप? ये कुछ नहीं, लेकिन मैं सब सीख जाऊंगी। जरूर सीख जाइएगा, जरूर सीख जाइएगा। और ये हजरत कौन थे आपके साथ? ये मेरे सिस्टर के हस्बैंड। गुड। ब्रदर इन लॉ। गुड। बहनोई। वेरी गुड। थैंक यू। हाउ, प्लीज डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट प्लीज। सुनिए,
आप होटल में रहती हैं? जी। कौन से होटल में? फेमस। फेमस जी, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। मोटर छोड़ने जाएगी, मोटर लेने आएगी। क्यों? क्योंकि आपके बाल बड़े सुंदर है। यू यस यू मी यू इडियट। सुनिए, मोटर छोड़ने जाएगी, मोटर लेने आएगी। लिली, मेरे गम के सहारे आजा, है तमा, ऐसे मेरे पुकारा, मेरा दिल्ली ये पुकारे। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे जरा बाहर जाना है। कहाँ? अलका के पास। हाँ, अलका के पास। कहो, कुछ कहना चाहती हो? आज मैं नहीं जाने दूंगी आपको। अच्छा, लेकिन तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? आपकी पत्नी। आप पति के धर्म को भूल रहे हैं, लेकिन मैं पत्नी के धर्म को नहीं भूल सकती। देखिए, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इन बातों से अपने बराए सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको इस रास्ते पर नहीं जाने दूंगी, हरगिज नहीं जाने दूंगी। क्या करोगी? पैर बांधोगी मेरे? पैर तो आपके समाज ने बांध रखे हैं, मर्यादा ने आपके पैर बांध रखे हैं जी। मैं उस बंधन को नहीं तोड़ने दूंगी। नहीं जा सकते आप, मेरी मर्जी के बिना कहीं कहीं नहीं जा सकते आप। पति, पत्नी, धर्म, समाज, मर्यादा, ये भाषा मैंने किताबों में बहुत पढ़ी है। मैं जहां चाहूंगा जाऊंगा, तुम्हारा समाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है माँ जी। वो अपना और सबका नाश करने पर तुले हुए। नालायक पति के चरणों में आंसुओं के फूल चढ़ाने से काम नहीं चलेगा बहू। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। अरे, तू पढ़ी लिखी है, अकल से काम ले। रोने से क्या होगा पगली? कोई तरकीब सोच। तरकीब? तरकीब? हाँ, अच्छा ठहर, मैं बताती हूँ तरकीब। मुझे कुछ नहीं सूझता दलीप, ये मर्दों की दुनिया है, औरतों की नहीं। कैसे निभाऊं अपनी बात को? मुझे क्या करना चाहिए दलीप? घर चली जाओ। मैं भी यही सोचती हूँ। जरूर जाओ, मगर तुमने ये बहुत देर बाद सोचा अलका। क्या मतलब? वो घर तुम्हारे लिए बंद है, तुम्हारे बाप का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। जाओ, सुरेश की ठोकरा खाओ, उस बूढ़े की खुशामद करो, उसके पैर पकड़ो। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारा अभिमान इतना खोखला है, तो मैं ये मुफ्त की बदनामी अपने सर न लेता। बदनामी? कैसी बदनामी दिलीप? सुरेश कहता है कि मैंने तुम्हें बहकाया है। वो बूढ़ा कहता है कि तुम्हारा और मेरा नाजायज ताल्लुक है। दिलीप। किरण कहती है, तुम्हारी बहन कहती है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। अब मैं भी ढोल पीट के कहूंगा। दिलीप, ये क्या कहती हो? तुम जानती हो कि मैंने आज तक तुम्हारे शरीर को हाथ नहीं लगाया। मैं वैसा आदमी ही नहीं हूँ, लेकिन आज तुम्हारा हाथ पकड़कर कसम खाता हूँ तो उन लोगों को नीचा दिखाऊंगा। उस बूढ़े को एक दिन तुम्हारे कदमों में झुकाऊंगा। दिलीप, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये कुछ रुपया रख लो। नहीं दिलीप, मुझे रुपयों की जरूरत नहीं। मैंने अपना हार बेच दिया है। क्यों बेचा हुआ? क्या मैं मर गया था? तुम मुझे गैर समझती हो अलका? नहीं दिलीप, गैर क्यों समझूंगी? आखिर तो तुम मेरे बहन ही हो। हाँ हाँ, सुनो, इस अखबार में एक खबर निकली है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टरनी की जरूरत है। नाम है उसका सेठ। हाँ, ये धनीराम। सेठ धनीराम। एक्सक्यूज मी, लाला धनी राम कहाँ है जी? वो क्या बैठे? लाला जी आइए, मैम साहब आइए। हाँ जीजू, बैठिए। क्या हुक्म है सरकार?
मैंने इस अखबार में पढ़ा आपको एक मास्टरनी की जरूरत है। मास्टरनी? जी हाँ, बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। पधारिए, आइए ना। जी? बच्चों से न मिलिएगा जिनको पढ़ाना है। ओ अरे पल्लू, लल्लू, मल्लू, जल्लू, टिल्लू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये मास्टर जी है, तुम्हें पढ़ाया करेगी। पढ़ोगे ना? अच्छा, तुम न पढ़ना, मैं पढ़ लिया करूंगा तुम्हारे बजाय। तुम खेलना, ये खिलाया करेगी तुम्हें। जाओ फिर। मगर माँ के बच्चे हैं मैम साहब, 3 साल हुए इनकी माँ को मरे हुए। आप आ गई, मैं समझूंगा इनकी माँ। तो कब से हूँ पढ़ानी? जब से आप चाहें, परसों से, कल से, आज से, अभी से। आई सी। और आई मीन महीना क्या देंगे आप? जितना आप चाहें। ओ, 50 रुपए लूंगी। 50 ही दूंगा, फी घंटा। और मैं पढ़ूंगा तो 50 और दूंगा, और कोई पढ़ेगा तो 50 और दूंगा। थैंक यू। तो फिर किस वक्त आया करो? जब आप चाहे, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को। अच्छा, सुबह को आया करूंगी। जा रही हैं आप? जी हाँ, कल से शुरू करूंगी। नमस्ते। नमस्ते, 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 नमस्ते। लेकिन सुरेश बाबू, आप मेरी बात तो सुन। नहीं नहीं किरण, यहाँ गिर नहीं हो सकता। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। वो जिन पैरों से गई हो, उन्हीं पैरों से वापस आना चाहिए। सुरेश बाबू, मैं अपनी बहन को अच्छी, मैं जानता हूँ मुझे प्यार करती है, और तुम मानो ना मानो मैं भी उसे प्यार करता हूँ। शायद तुम इसे झूठ समझोगे, मगर उसके बगैर मुझे इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये घर मुझे काट, उसने मेरा अपमान किया, इसका मुझे मनाना। लेकिन बाबू जी का अपमान मैं नहीं सह सकता, उसने बहुत दुख पहुंचा है बाबू जी। और अब तुम मुझे बुरा समझो भैया, इसमें मैं बाबू जी का साथ दूंगा, उसका नहीं। करके ये चिट्ठी मिसेज लखनंदा कपूर को पहुंचा दीजिए। मगर साहब, इस वक्त तो सब लोग सो रहे होंगे। जी, इस वक्त सुबह दे दीजिएगा। बहुत अच्छा। और कुछ? जी और कुछ नहीं। जाओ। दिलीप, दिलीप। कोई नहीं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। बहू रानी, अनेक आशीर्वाद। तुम इस बात को सच मानो या ना मानो, परंतु मेरा बूढ़ा शरीर तुम्हारे सुखों के लिए दुखों का पहाड़ उठा सकता है। मैं सिर्फ तुम्हारी बात रखने के लिए, तुम्हारे अभिमान की रक्षा के लिए घर से कहीं दूर जा रहा हूं। तुम दोनों सुखी रहो, यही मेरी इच्छा है। मेरा खत मिलते ही घर चली जाना, वो घर तुम्हारा ही है। ओके। जी, क्या इरादे हैं? देखो दिलीप, मैंने तुमसे कई बार कहा कि मुझसे ऐसी बातें ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं घर छोड़ रहा हूँ, मगर तुझे नहीं छोड़ रहा। माँ बाप मर जाते हैं, मगर उनका प्यार, उनकी ममता कभी नहीं मरती। मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, मेरा मन तेरे चारों तरफ घूमता रहेगा। दुखी ना होना बेटे, और न मुझे तलाश करना। बहु रानी को घर ले आना, मिलजुल कर दोनों सुख से रहना। बाबू,
बाबूजी, 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 आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? माफ कीजिए, मैं समझा क्या? अरे कोई नहीं, तुम बिराजिए, मैं अभी देखता हूँ। गुबाई चंद्रा, हाँ चंद्रा, पर तुम इधर कैसा? अरे पिताजी ने इन्हें नौकर रखा है, ये हमें खिलाया करेगी, क्यों जी? अरे 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 अरे, कैसा भाई तेरा अक्कल, घर का थाली को लात मारा और दूसरे का उस्टा खाने को आयो तुम? शट अप चंद्रा की बच्ची। ए भाई, अगर मी भी नौकर तू भी नौकर, हमको 20 मिलता है तुमको 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, मिजाज काई को दिखाता है? जा काम कर अपना। चंद्रा, नहीं मांगता मैं तेरी नौकरी, चली जा यहाँ से। तूने मेरी बातों का अपमान किया है, बेइज्जती की है, यानी कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, दावा करूंगा तुझ पे हत्या की इज्जत का। अरे वारे वा सेठ, इज्जत है किसको, तुमको क्या इसको? चंद्रा, नहीं चाहिए तेरी नौकरी, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए तेरी नौकरी। अरे ठेव तुझी नौकरी, ही चाल ली चंद्रा, हम देखते हैं कौन काम करेगा तुम्हारा। अरे चली जा, निकल जा यहाँ से, तू समझती है कि तेरे बिना काम ही नहीं होता? बड़ा बताइए, जरा से बर्तन नहीं साफ हो सकते? देखिए बहुत चढ़ गए हैं ये निकलो। अरे ये मास्टर जी, आपकी क्या हुई है? हट जा मेरे सामने से। अरे मगर शट अप, शट अप, जा 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 जा। अरे लल्लू 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 लल्लू, पता बता दो होटल का, मैं खबर कर आऊंगा बहू जी को। नहीं रामू, अब मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता, और अगर तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। जी मैंने कब कहा बाबू, तो फिर क्यों उसका नाम लेते हो मेरे सामने, क्यों मेरे दुखी दिल को दुखाते हो? पढ़ा रहे तो मुझे इसी तरह। हेलो मम्मी डार्लिंग, मेरा दिल्ली ये पुकारे आजा। मेरा दिल्ली ये पुकारे मेरे गम के सहारे। ला मेरा दिल ये पुकारे। कैसी लगती हूँ मैं? बहुत खूब, बहुत सुंदर, मगर कहाँ जा रही हो बंठन के? मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। फीका फीका है समा, ऐसे में है तू कहाँ? मेरा दिल ये पुकारे आजा। मैं पूछता हूँ तुम जा कहाँ रही हो? घबराइए नहीं, मैं अलका के पास नहीं जा रही। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, मैं जरूर जाऊँगा अलका के पास। तो जाइए ना, आज छुट्टी का दिन है, मैं खुद कहीं जा रही हूँ, और मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा किरण,
मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो। एक दोस्त के पास है? और देखिए मैं रात को जरा देर से आऊंगी। टाटा 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 टा टा टाटा। हाँ बताया है सब कुछ बताया। मल लिख लिया। क्या लिखा? घसीटा मल है? अभी तक घसीटा मल को नहीं भूली। हाँ है, तुम्हीं ने तो कहा था लिखने के लिए। अच्छा चलो मेरा नाम लिखो। पर मैं तुम्हारा नाम कैसे लिख सकती हूँ? क्यों? अरे अपने पति का नाम भी कोई लेती है। अरे तो लिखने में क्या डर है? हम नहीं लिखते। सुनो अगर मैं कहीं बाहर गया तो किसके नाम पे लिखोगी? घसीटा मल के? हटो भी, कैसी बातें करते हो, हम नहीं पढ़ने के। नाराज हो गई मेरी फुलझड़ी, मेरी चुन्नो, लिखो। मैं खुद कह रहा हूँ ना लिखने को, लिखो। लिखो? हाँ लिखो। लिख लिया। क्या लिखा? दयाराम। मेरा नाम ले दिया? अरे बस तुम्ही ने तो कहा था कि मेरा नाम लिखो और फिर तुम्ही खुद चिढ़ाते हो, हम नहीं पढ़ने के, बस जाओ। किरण ये तुम्हें क्या हो गया, तुम भी अपनी बहन करने लगी? नहीं चाचा, मुझ पर भरोसा रखिए, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी मदद की बड़ी जरूरत है। मेरी मदद? क्या बात है बेटी? एक तो मुझे सुरेश बाबू की देखभाल करनी है, वो बेचारे बीमार हैं और घर में अकेले पड़े हैं, और दूसरे उनको और अलका को किसी तरह सुधारना है चाचा, किसी तरह रास्ते पे लाना है। शाबाश, काम तो दोनों नेक है बेटी, लेकिन लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ बोलो। आप मेरे साथ चलिए, मैं सब बता दूंगी। अच्छा सावित्री मैं अभी आया, चलो। सावित्री मैं जरा लेट आऊं। कर भला तो होगा भला और कर बुरा तो होगा बुरा। हद हो गई, हद हो गई, और हद भी क्यों हो गई, जो तुमने किया वो सुरेश ने किया जी। अरे भाई इधर तुमने अलका को फुसला लिया और उधर सुरेश ने करण को फुसला लिया। क्या मतलब? मतलब साफ है, इधर तुम अलका को लिए लिए घूमते हो और उधर सुरेश किरण की कमर में हाथ डालकर। ये क्या कर रहे हैं आप? अब भी नहीं समझ में आया तो खाओ घास जाकर। तू है हर जाय तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। किरण, वो तो घर में नहीं है बेटा। क्या आज भी घर में नहीं? कहाँ गई? घूमने गई है, कह रही थी पहले क्लब जाऊंगी फिर सिनेमा जाऊंगी। माँ ये किरण क्लब भी जाने लगी? किसके साथ जाती है? सुरेश के साथ? अरे मुझे क्या मालूम किसके साथ जाती है, जैसा तू है वैसी वो। चाय बनाऊं तेरे लिए? नहीं मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए। सर में दर्द हो रहा है? हाँ बाबा मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो घूमा थोड़ी देर ठीक हो जाएगी। नहीं माँ मुझे घूमने में कहीं नहीं जाना। तुम मेरी और कसर रह गई है क्लब जाने की, तू तो जाता ही था अब बहू भी जाने लगी। लो सुरेश बाबू। किरण तुम मेरी कितनी सेवा कर रही हो बहन। मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर रही सुरेश बाबू, मैं तो अपनी बहन की सेवा कर रही हूँ।
उसके सुहाग की रक्षा करना चाहती हूँ। लो पियो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी अच्छा कर दे, अब लेट जाओ। मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए, पी के आए। अनारकली देखने गई थी सुरेश के साथ? उसके साथ जाना मुनासिब है? हूँ किए जाती हूँ, मैं पूछता हूँ क्यों गई थी उसके साथ? तो हर्ज ही क्या है, आखिर वो मेरे बहनों ही हैं और मैं उनकी साली हूँ। किरण, मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। और अलका के साथ जाना पसंद है आपको? मेरी और बात है, मैं किसी के भी साथ जा सकता हूँ। तो हमारी भी और बात है, हम भी किसी के साथ जा सकते हैं। किरण, तुम सुरेश के साथ कहीं मत जाया करो। सोचूंगी। मैं तुम्हारा पति, समाज ने मुझे तुम पर अधिकार दिया है, मेरा हुक्म मानना तुम्हारा धर्म है। पति, धर्म, अधिकार, ये भाषा मैंने किताबों में बहुत पढ़ी है। मैं जहाँ चाहूंगी जाऊंगी, तुम और तुम्हारा समाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मोहब्बत में है कदम डगमगाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए, पी के आए, पी के आए, पी के आए। सुरेश बाबू, बहन कैसी तबीयत है? आप चिंता न कीजिए, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हाँ, आप ये दवा तो जारी रखिए, मैं दूसरी अभी भेज देता हूँ। क्लियर है? देखिए, देखिए, इन्हें तीमारदारी की बड़ी जरूरत है, कोई ना कोई हमेशा इनके साथ रहे और रात को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ। सुरेश बाबू। हाँ बहन। तुम कहो तो मैं अलका को बुला दूं। नहीं किरण, उसे ना बुलाओ, उसे ना बुलाओ किरण। लेकिन इस वक्त उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। किरण, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? उसके आने से मेरी बीमारी और बढ़ जाएगी। किरण, उसके आने से मेरी बीमारी और बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा। उसने मुझे बीमार किया, उसने मुझसे बाबूजी को जुदा किया, उसके आने से मैं और बीमार हो जाऊंगा। किरण, अच्छा अच्छा, मैं नहीं बुलाऊंगी, तुम लेट तो जाओ। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ किरण, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। उसे ना बुलाओ, उसे ना बुलाओ बहन। हाय दिलीप, सिट डाउन। तुमने तो आजकल आना ही छोड़ दिया। हाँ, जरा मसरूफ था। दिलीप, दिलीप, मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? वो आदमी अच्छा नहीं था, कल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो इसमें बुराई क्या है? हा? कौन आदमी अच्छा? सुरेश अच्छा, तुम अच्छी हो, किरण अच्छी है। दिलीप, ऑल राइट, अच्छा किया जो नौकरी छोड़ दी, और मिल जाएगी। मैं अच्छा, तो मैं चलता हूँ। दिलीप, दिलीप, कहाँ जा रही? सुरेश बाबू के पास। अगर आज तुम सुरेश के पास गई तो फिर इस घर में वापस नहीं आ सकती। देखो जी, ये घर मेरा भी है, मैं जब चाहूंगी जाऊंगी और जब चाहूंगी आऊंगी। किरण, अगर तुमने इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो फिर इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। दलील, क्या बात है बहू? माँ, मैं इस कमीनी को उस घर में नहीं रहने दूंगा। ये बच्चन, दलील, मेरे मना करने पर भी सुरेश के साथ ताल्लुक रखना चाहती है। अब तू भी तो इसके मना करने पर अलका से ताल्लुक रखता है। मेरी और बात है माँ, आखिर मैं मर्द हूँ। तू मर्द है इसलिए शरीर, ये औरत है इसलिए बचवा है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन अब ये घर में नहीं रहेगी। ये तो यही रहेगी दलील। माँ, या तो ये रहेगी घर में या मैं रहूंगा। तो इसका फैसला तो खुद ही कर ले। माँ,
तुम इस नालायक औरत की तरफदारी कर रही हो? नालायक बेटे की तरफदारी तो बहुत दिन करती रही दलीप। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। रानी, दलीप चाहे पानी मांगे तो उसे देना, और हमारे बारे में पूछे तो कहना कि सास बहू दोनों मिलकर क्लब गई हैं। क्लब? हाँ हाँ क्लब। आ बेटा। ये है कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपने घर ले जाऊंगी जी। लेकिन इन्हें नर्सिंग की बड़ी जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये नर्सिंग से ज्यादा देखभाल करेंगे, क्योंकि घर का आदमी है। आप आकर रोज देख लिया कीजिएगा। हाँ हाँ, ये हो सकता है। रामू, जा भाग की टैक्सी तो ले भैया जरा जल्दी से। हाँ भैया, जा जा। सुरेश ने तेरी इज्जत लूटी है, और इज्जत का बदला होता है इज्जत। जेके, हेलो गली। हेलो यार। जेके, मेरे खास मेहमान है, तेरी कार की जरूरत। कार ले जा बेटा, तेरे लिए जान हाजिर है। कह दे ड्राइवर से। ओ यार, थैंक यू वेरी मच यार। वो तेरा वर्सों वाला बंगलो है ना, मुझे उसकी भी जरूरत है। अच्छा बेटा, मैं समझ गया यार। मैं तो समझा नहीं यार, मैं कल्लू को टेलीफोन कर देता। अच्छा यार, थैंक यू वेरी मच। अरे बैठो यार। नहीं यार, मुझे ला कुछ ला यार, मुझे जल्दी ला दो। ला बैठ। देखिए मुझे बहुत जल्दी कभी मिला कर यार। रानी, इन्हें ऊपर ले जाओ। अरे ऊपर कहाँ ले जाती, यहीं लेता हूँ ना। सुरेश, सुरेश, बाबूजी, ये तो बेहोश हो गया। इनके आसार अच्छे नहीं मालूम होते। मैं जाता हूँ डॉक्टर को बुलाने। और बेटी किरण, तुम किसी तरह अलका को यहाँ ले आओ, क्योंकि उसका होना यहाँ जरूरी है। हाँ बहू, जल्दी जा बेटा। मैं हूँ दलीप, दरवाजा खोलो, बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। बड़ी खुशनसीब हो अलका, नौकरी मिल गई तुम्हें, बड़ी अच्छी नौकरी। रियली? कहाँ? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वर्सोवा जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। वर्सोवा? एक लखपति औरत है पार्सन, उसे कंपेनियन की जरूरत है। तनख्वाह 500 रुपए। 500? हाँ हाँ 500। चलो जल्दी करो। लेकिन दिलीप, अभी इसी वक्त? तो हर्जी क्या है, उसने गाड़ी भेजी है अपनी। देखो इस वक्त 8 बजे हैं, 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। दूरी कितना है? चलो 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 जल्दी करो। वेल ओके, आई गेट रेडी। क्यों भाई, वो मिसेज अलकनंदा कपूर अपने घर चली गई? नहीं नहीं, अभी तो यही है। जाइए ऊपर मिल लीजिए ना, नंबर 10 कमरे में। जी नहीं, मुझे मिलना नहीं है। मगर आप अक्सर आकर ये पूछा करते हैं, आखिर बात क्या है? जी बात ये है कि यस एसपी साहब, आप वो फोन नंबर काफी जो पीछे आया बहुत लफड़ा कर रहा है, चिल्ला कर जल्दी एक पैकेट गोल्फ ले लिया। तो सुनो, कल्लू को फोन करना सेठ के वर्सोवा बंगले पर, और कहना कि हम अभी आते हैं। हाँ अलका, सामने की सीट पर बैठ जा। क्यों,
ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर कहीं चाय पीने गया और ये बड़े आदमियों के ड्राइवरों को क्या भरोसा? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम ड्राइव करोगे? क्यों, क्या मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता? ये बात नहीं है मगर वो अरे बाबा मैं उस पार्सल औरत को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मेरे साथ चलो तो सही। वो जब तक ड्राइवर वापस आएगा हम लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा नहीं मगर तुम मेरे पास लाइसेंस है ना? मेरे पास सब कुछ है। ओके कौन किरण? बाबूजी आप कहाँ थे इतने दिनों? सुरेश बाबू की तबीयत बहुत खराब है। आएगा मैं अलका को लेने आई हूँ। लेकिन अलका को दिलीप अपने साथ अभी भी लेके आए। कहाँ? राम जी ने कहा मगर इस तब कार में ले गया उसे। आज उसकी नियत। अच्छा अच्छा आ मेरे साथ आ जल्दी जरा उनका एक पीछे चला। अरे अपना वो गाड़ी चला गया भाई। अरे अभी अभी इधर खड़े था वो अपना दिलीप साहब उसमें जाने वाला था। क्या तुम उसके ड्राइवर हो? और क्या हमको बोला डाली बॉल करने को शेखर का पाकिट लाने को बोला। तुमको जगह मालूम है कहाँ है? अरे मालूम कहाँ जाने मैं था हमारे शेखर का बंगला वर्षा हमें। ये जरा हमारे साथ चलो हमें भी वहीं जाना है। बहुत अच्छा काम है चलो। जल्दी चलो भैया जल्दी चलो। इतना तेज क्यों जला रहे हो दिलीप? और चलो बस अब पहुंच गए समझ लो बेटी। क्यों भाई जगह? अरे भाई क्या हुआ? खलास हो गया हैरान। अब क्या होगा बाबूजी? अच्छा देखो तुम कल्लू सरकार ने टेलीफोन किया था बंदा आप ही से इंतजार कर रहा है। तुम जरा बाहर जाओ जी। अलका तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना। मैंने कहा उसको कुछ खाने पीने का। मैंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। दिलीप बैठो अलका आराम से बैठ। समझ लो कि ये अपने ही घर है। मगर वो लेडी कहाँ है दिलीप? लेडी? अरे भाई जिससे हम लोग मिलने आए हैं इस घर की मालकिन। दिलीप समझ लो कि तुम ही इस घर की मालकिन। दिलीप नहीं समझी अलका? अलका बेहूदगी बेहूदगी तो अकलमंदी है अलका। दिलीप क्या तुम पागल हो गए? मैं पागल हो गया। देश ने मुझे पागल बना दिया है। अलका दलील कमीने छोड़ मेरा हाथ। छोड़ने के लिए ये हाथ नहीं पकड़ा है मैंने। देश ने किरण को बहका के लूटा है और मैं तुझे जबरदस्ती। अब कहाँ जाओगी मुझसे बच के अलका? बाबूजी दीदी दीदी Ha 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 ha!
जानती क्या हो अलका, मैं इन्हें संभाल लूंगी। तुम जाओ सुरेश बाबू को देखो, उनकी हालत बहुत खराब है। हालत खराब है? वो बीमार है? बहुत बीमार है अलका, और हमारे घर में पड़े हैं। तुम्हारे को लेके डूब रहे थे माँ जी, भगवान ने बचा लिया। दलीप, कैसी तबीयत है जी? कुंता, हट जा मेरे सामने से, सुरेश के पास जा, सुरेश के पास जा, हट जा। सुरेश, सुरेश, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? दलीप, मैं तो अपने ही घर में मरना चाहता था दलीप, मगर ये किरण बहन मुझे यहाँ ले आई। बहन? किरण तुम्हारी बहन है? दलीप भैया। हाँ दलीप, इसी ने मेरी जान बचाई है, किरण मेरी सच्ची बहन। दलीप, किरण क्लब नहीं जाती थी, घूमने नहीं जाती थी, वो तो सुरेश की देखभाल करने जाती थी बेटा। मगर मगर चाचा, भाई मैं क्या करूं, मुझे तो जो किरण ने कहा वो मैंने तुमसे कहा। अरे बरखुरदार बटेर, वो तुम्हारी आंखें खोलना चाहती थी, तुम्हें सीधे रास्ते पे लाना चाहती थी, समझे? हाँ बेटा। किरण, तू बहू को ठुकरा कर अलका के साथ घूमने जाया करता था, तब इसे भी वही तकलीफ होती थी जो तुझे ये सुनकर हुई थी, किरण सुरेश के साथ घूमने जाती है। अरे पगले, भला ऐसा काम कहीं कर सकती है? ये तो देवी है, देवी। किरण, मेरी आंखें खुल गई किरण, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर। ऐसा नहीं कहा करती थी। दीदी, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी थी। सुरेश भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा और अलका बहन का गुनहगार। दलीप, दलीप। सुरेश भैया, अलका अपने किए पर पछता रही है, इसे माफ कर दीजिए सुरेश भैया। काश मैं इसे माफ कर सकता बेटा, लेकिन इसे तो बाबूजी माफ कर सकते। सुरेश, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अरे अरे, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा भी मन टूट गया, बिल्कुल टूट गया। उठ बेटी, उठ, मैंने तुझे माफ कर दिया। हाँ, मैंने तुझे माफ कर दिया। क्या है चपड़ झुंझुन? कर भला हो भला, अरे इधर देख इधर, ऐसी होनी चाहिए पढ़ी लिखी लड़कियां। किरण, तूने सबको सच्ची तालीम की किरण दिखाई, वो क्या? कर भला हो भला।